स्वागत आपका, और कल भी आप लोग हमारे साथ मौजूद थे और आज भी। कल की तस्वीर कुछ और थी और आज की तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुनील जी, नहीं बिल्कुल, सारा कुछ अब स्पष्ट हो गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद जो बीजेपी ने निर्णय लिया, वास्तव में वो लोकतंत्र के लिए अच्छा था, क्योंकि आगे जा करके यदि वो फ्लोर टेस्ट में उनकी हार होती तो बहुत मुश्किल होती और मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहते। जिस जल्दबाजी के साथ बीजेपी ने निर्णय किया था, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात को मानते भी हैं, वो चाहे कैमरे के सामने माने या न माने, टेलीफोनिक कई नेताओं से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल सहर स्वीकार किया कि हमसे जल्दबाजी हुई और हमको इतनी जल्दी अजीत पवार पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अजित पवार ने जिस विश्वास के साथ हमको समर्थन देने की बात की, उसके बाद हमको शरद जी से या उन विधायकों से जो उनके संपर्क में थे उनसे मीटिंग करनी चाहिए थी। ये वास्तव में हमारा बड़ा गलत कदम था जो हमने अजित पवार पर विश्वास किया और जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। और जो छवि धूमिल बीजेपी की हुई है, जिन विचारों के साथ बीजेपी को जाना जाता था, वो पिछले 2-4 साल से दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस पदचिन्हों पर कांग्रेस चल रही थी और कांग्रेस की जब टॉप लेवल की राजनीति जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने की थी तब ऐसा होता था और वो अब देखने को मिल रहा है पूरे देश को। तो निश्चित तौर से बीजेपी को एक बार सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी गिनती कांग्रेस पार्टी की तरह होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परविंदर जी, क्या हम ये माने कि पूरी जो स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह से सुनील जी भी यहाँ पर कह रहे थे कि पवार का विश्वास तो मिला लेकिन अंत में वो धोखा दे गए, दगा दे गए और नतीजा ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को भी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी थी एनसीपी की कि इस तरीके से हम यहाँ पर गिराते हैं, अंत में सरकार तो तीनों पार्टियों की बन ही रही है। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ दिन पहले नवाब मलिक ने यहाँ पर जिक्र किया गया था कि जो तथाकथित चाणक्य है वो रहे नहीं, क्योंकि शहमात के खेल में कहीं ना कहीं शरद पवार ने यहाँ पर मात दे दी। नहीं देखिए, जब शुरुआत में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ और उनकी आपस में विचारधारा नहीं बनी सीएम पद को लेकर, तो शिवसेना ने जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ एनसीपी के माध्यम से कांग्रेस के साथ सांठगांठ शुरू कर दी। जब एनसीपी को गवर्नर ने बुलाया और वो अपनी पूरी तरह से समर्थन पत्र नहीं दे पाए तो उन्होंने जो है प्रेजिडेंट रूल थोड़ी जल्दबाजी में लगा दिया। वो भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में थे कि उनको ये था कि जो दूसरे विधायक हैं शिवसेना के, ये बाहर आएंगे और बीजेपी उनको अपने पाले में लाने का प्रयास करेगी। लेकिन उसके बाद जब प्रेजिडेंट रूल लग गया तो एनसीपी शिवसेना बिल्कुल निश्चित हो गए और वो अपना आपस में जो विचारधारा मिलाने में और आप ये कह सकते हैं डील करने में कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसको क्या पैसा मिलेगा, उसमें व्यस्त हो गए। इन द मीन टाइम मेरा ये मानना या मेरी ये सोच है कि बीजेपी ने एक ब्लाइंड गेम खेली और उन्होंने अजीत पवार को टारगेट लेके उन्होंने एक रातों रात जो है प्रेजिडेंट रूल को लिफ्ट कर दिया और सुबह सुबह उनको शपथ करा दी अजीत पवार को और फडणवीस को। इस सारे कार्यक्रम के साथ पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि जिसका किसी को सपने में भी ख्याल नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल वो बात हो गई। तो जिसने एनसीपी के जो शरद पवार थे जिनको आप चाणक्य कहते हैं और जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे थे, वो भी सकते में आ गए कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल, हर व्यक्ति एक दूसरे को शंका की नजर से देख रहा था और उसका एक बेसिक रीजन था कि जिन विधायकों को उन्होंने छुपा के रखा हुआ था वो बिल से बाहर आ जाए और उनके साथ डील हो सके। अजीत पवार के ऊपर कोर्ट केस थे, जो ईडी के मुकदमे थे इरिगेशन के, वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, इस वजह से वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आ गया। लेकिन इसके बाद ही एनसीपी और शिवसेना पूरी तरह से सतर्क हो गई और उन्होंने अपने जितने भी विधायक थे उनको इकट्ठा करा, उनको शपथ दिलाई। शक के दायरे में तो वो भी थे लेकिन वो उनको हर तरीके से, चाहे इन्फ्लुएंशियल तरीके से, चाहे इमोशनल तरीके से, चाहे आध्यात्मिक तरीके से, जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण कराई, उनको पूरी तरह से आश्वस्त हुए कि भी हमारा कोई भी जो विधायक है वो बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो है 2-3 दिन में हुई है आप सबके सामने, और जब उन सबको पूरी तरह से कवर कर दिया और वहां से कोई भी लूपहोल नहीं बचा बीजेपी के लिए और अजीत पवार के लिए कि जिसमें वो खरीद फरोख्त
पूरी तरह से हो सके, क्योंकि ट्रस्ट लेवल बहुत बड़ी बात होती है। एक ट्रस्ट लेवल बिल्कुल बहुत बड़ी बात, और देखने को बात मिलेगी कि जो अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात तीनों दल कर रहे थे, अभी 4 से 5 मुद्दे अभी ऐसे हैं जिन पे सहमति नहीं बन पाई, और उसी सहमति को लेकर शायद ये लेट लतीफी हुई और नतीजा यही हुआ कि अगले दिन शपथ किसी और ने ले ली। बिल्कुल। और दूसरा एक और मुद्दा आ गया है कि जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिन 7 केसों में क्लीन चिट अजीत पवार को दी थी, जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलके, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेंगे? बिल्कुल। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार उसकी सुनवाई होगी? क्या एसीबी ने जो 7 केसों में क्लीन चिट अजीत पवार को दी है, क्या वो उस पर मोहर लगाएंगे या पलटेंगे? ये सारी चीजें अभी हैं जो भविष्य के गर्त में हैं और वो कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित करेंगी। यहाँ पर संजय जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, शपथ ले रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो इतने दिनों से आप लोगों ने एक हट्टी ठान ली थी कि बात करिए तो फॉर्मूले पर करिए, नहीं तो नहीं करिए, हम किसी और के साथ अपनी सरकार बना लेंगे। ऋतु तो एक और दीजिए संजय द्विवेदी जी को कि पिछले एक हफ्ते से संजय द्विवेदी जी हैं जो सामना कर रहे हैं जी, लगभग लग शिवसेना से अधिकतर लोग आ नहीं रहे। बिल्कुल, तो बधाई दे रहे हैं आपको संजय जी यहाँ पर, और उद्धव ठाकरे जल्द ही शपथ लेने वाले हैं, लेकिन क्या विश्वास है एनसीपी कांग्रेस पर, क्योंकि इतने दिनों से तो जो सहमति है, जिस तरह से सुनील जी भी जिक्र कर रहे थे कि कुछ मुद्दों पर अभी तक नहीं बन पाई है, क्या मंत्रालयों को लेकर भी रार अभी देखने को मिलेगी, यानी कि महाराष्ट्र का जो नाटक है शायद हम कह सकते हैं खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं होने वाला, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जवाब दे रहा हूँ बड़े शांतिपूर्वक, ध्यान से सुन लीजिए। जी जी बिल्कुल, हम शांतिपूर्वक ही चाहते हैं आप अपना जवाब दें, और मैं उनको भी मैं कहता हूँ शांति सुने, पर बड़े संक्षेप में पूरी बात आपको समझाने बताने जा रहा हूँ। जी जी, देखिए कल हम लोग फरमडी जी का कल हम लोग सुन रहे थे, जो उन्होंने प्रेस के माध्यम से बता रहे थे, उन्होंने पूरा ठीकरा जो है उस शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की, फोड़ने की कोशिश की, ये बिल्कुल गलत है। हम जो संगठन 30 साल से एक पार्टी सपोर्ट कर रहा हो और उसने कभी भी अपनी आदत ना बदली हो, आज भारतीय जनता पार्टी 89 से कितने राजनीतिक संगठनों के पास गई और वहां उन्होंने समर्थन लिया और गठबंधन बनाया, लेकिन मुझे बता दीजिए शिवसेना ने आज तक 30 साल में किसी राजनीतिक भाजपा के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन बनाया नहीं बनाया। 2014 हम लोग अलग हुए, किसी भी कारणों बस अलग हुए थे, फिर भी शिवसेना ने उनको बिना शर्त समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए या हमको बनाइए, आप हमको ये विभाग दीजिए, हमको ये दीजिए। दूसरी बात, आज अगर लोकसभा चुनाव से पहले माननीय अमित शाह जी और माननीय उद्धव ठाकरे की कोई वार्ता हुई थी, ये मैं भी नहीं था वहां पे, ना देश का कोई शिवसेना ना भारतीय जनता पार्टी थे। अगर माननीय उद्धव ठाकरे, पहली बात मैं इतने उदार व्यक्ति है, मैं तो काफी बार मिला हूँ माननीय उद्धव ठाकरे से, इतने उदार नेचर के आदमी, इतने सीधे आदमी है कि उनको वो गलत झूठ बोल नहीं सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के शिशु को सबसे बड़ा कष्ट ये हुआ, जो आज हम लोग खुश हैं, आज भारतीय जनता पार्टी समर्थन लेने के बाद हम लोग इस बात से खुश है कि माननीय उद्धव ठाकरे झूठ नहीं बोल सकते थे, उनसे उनके लिए झूठ माननीय देवेंद्र जी ने जो बात कही कि वो झूठ बोल रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम कहते हैं 50-50% का, चलिए आपने नहीं कहा था, अगर हमने 50-50% का एक फॉर्मूला तय किया तो आप माननीय अजीत पवार जी को, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अजीत पवार समर्थन लेकर सरकार बनाना, ये मैं अभी तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। 3 दिन से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जिसके भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी केंद्र सरकार है, जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, संजय जी एक बात बता दीजिए, संजय जी एक बात फिर आप कंटिन्यू करेगा, चलिए आप बोलिएगा उसके बाद, लेकिन मेरे को ये बताइए, आप जिस तरह से बार बार 50-50 के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हालांकि वो तो अब कुछ रहता नहीं है, सामने रह ही नहीं जाता है जब आपने किसी और पार्टी का साथ यहाँ पर ले लिया है, एक मिनट सुन लीजिए संजय जी, एक मिनट, अगर आपकी पार्टी के पास 105 सीटें आती, मान लीजिए जो अभी हाल बीजेपी का है वो आपका होता और जो आपका है वो बीजेपी का होता, क्या आप देते, क्या आप उस रेशो पर जाते 50-50 की आप बात करते क्या? अगर आप सबसे ज्यादा सीटें लाए हैं तो किस बिना पर आप 50-50 का हक रखते हैं? ऋतु, इनकी पहले ज्यादा सीटें आई, इनका मुख्यमंत्री रहा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा। मेरी बात सुनिए, मैं बात अभी जवाब दे दूं। देखिए गठबंधन का अपना धर्म, गठबंधन में दोनों को झुकना पड़ता है। हम तो सर ये कह रहे हैं कि आप उस स्थिति में रखिए, क्या आप मान जाते, कहते हैं ना कि आप दूसरों को बोलने से पहले अपने आप पर अप्लाई करिए। ये मैंने क्या कहा आपका कि अगर एनडीए बनी हुई है तो भारतीय जनता, एनडीए में हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ शिवसेना उठाया, बाकी पार्टी हिंदुत्व से पीछे है,
तो क्या तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचननामे में अपने घोषणा पत्र में हिंदू भी किनारे रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम झुकते नहीं। अगर अगर हमको संगठन चलाना है, सब परिस्थितियां ना हर किसी को झुकने पर मजबूर कर देती है और वो दिख रहा है आप लोगों के साथ। बात सुनिए ऋतु जी, सुन लीजिए बात पूरी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आज जिसके लिए फड़वटी जी कहते थे चक्की पिसिंग, तो चक्की पिसे हफ्ते पिसवाते पिसवाते उन्होंने उनको घूमती बना दिया। कितनी मतलब ये आप सोचिए इस चीज को कि आपकी नीतियां कहाँ है, आपके सिद्धांत कहाँ है। अहंकार, आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहंकार पैदा हुआ, देखिए मैं बता दूं आपसे, जब शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं बना उसके पीछे मात्र जो हमारे देवेंद्र जी है मुख्यमंत्री थे उनका अहंकार छिपा था। अगर उनका अहंकार ना था मुख्यमंत्री के लिए तो आज वो मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए नहीं बनते। उनके अहंकार के चक्कर में वो आज मुख्यमंत्री बने आप समझ, और जिन्होंने जिसकी वजह से पूरा संविधान संवैधानिक ढांचा महामहिम राज्यपाल की पद की गरिमा जो तार-तार कर दिया। संजय जी एक मिनट रोकना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के लिए, और इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी पत्नी भी यहाँ पर साथ है। तो बहुमत साबित करने के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त है और कल शपथ ग्रहण है, उन दोनों को लेकर देखें तो ये तमाम जो जानकारियां हैं राज्यपाल से साझा की जाएंगी, और उससे पहले ये तस्वीरें मुलाकात की देख रहे हैं। परविंदर जी, संजय जो जी जिस तरह से लगातार बातें कर रहे हैं, चाहे वो एक फॉर्मूले की बातें यहाँ पर कर ले और चाहे जिस तरह से कह ले कि विचारधाराएं जो हैं वो अलग थी, घोषणा पत्र में कुछ जिक्र बीजेपी का रहता था लेकिन असल में कुछ और करती थी, क्या ये बात शिवसेना के लिए लागू नहीं होती क्या? देखिए ये बात जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी पार्टियों पे लागू होती है, लेकिन जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस हुआ है ना वो भी बड़ी शक के दायरे में है, क्योंकि जब दो पार्टियों का अलायंस होता है वो विचारधारा का अलायंस होता है, लेकिन यहाँ पे जो अलायंस हुआ था वो एक दूसरे की नीड थी कि भी हम एक दूसरे के बिना उस तरह का, और यही नीड की कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना को आना पड़ा। यहाँ तो पूरी विचारधारा ही देखी तो अलग थलग है। देखिए जब इन्होंने अलायंस करा मेरे को लगता है वो भी जल्दबाजी में करा, क्योंकि शिवसेना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वो अपना जो फडणवीस जी को कह रहे थे वो घोषणा पत्र अलग अलग यहाँ पर जारी करना, कहीं ना कहीं उसी समय ये अंदाजा लग गया था कि ये शायद नतीजे आने के बाद एक साथ ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्योंकि शिवसेना कह रही थी कि जो शिवसेना का ही जो कैंडिडेट होगा वो सीएम बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्ट्रांगली ये कह रही थी कि जो फडणवीस ही सीएम होंगे, और किसी ने एक दूसरे की बात को काटने का प्रयास नहीं करा। मेरा ये मानना है कि शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर एक सशक्त पार्टी है, सीटें आई हैं या नहीं आई वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक कम्युनिटी को जो महाराष्ट्र की कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट भी करती है। इस वजह से वहां के लोगों का के एक सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सेंटीमेंट्स का भी ध्यान रखना शिवसेना की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जब वो कांग्रेस के साथ अलायंस करती हैं, और देखिए अलायंस हो गया सरकार बन गई बहुत बधाई है सभी पार्टियों को, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से सेंटिमेंट्स की बात यहाँ पर परविंदर जी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिस विचारधारा के साथ आप लोग चल रहे थे उस विचारधारा से कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर जो प्रदेश की जनता है वो यहाँ पर जुड़ी हुई थी, लेकिन जब आप अलग हो गए, जिनके बारे में आप आरोप लगाते थे बातें करते थे आज उनके साथ है, तो क्या विचारधारा में फर्क आएगा? जिसको लेकर आप ये सोचते थे कि हाँ ये वो व्यक्ति है, ये वो जनप्रतिनिधि है जो हमारे लिए भला करेगा और हमारे लिए सोचेगा क्योंकि वो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे में जो कनेक्शन है वो शायद टूट गया है। नहीं नहीं, वो देखो परसों जब 162 विधायकों का होटल हयात में जो परेड हो रही थी और तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि उन कार्यकर्ताओं के दिलों पर ठेस पहुंची होगी जो बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर, ग्राम सभा स्तर पर एक दूसरे से अपनी अपनी विचारधाराओं के लिए लड़ते झगड़ते रहे। तमाम मुकदमे एक दूसरे को ऊपर लगते हैं और वही जो उनके वीर सैनिक होते हैं जो वहाँ स्थिति मजबूत संभाले होते हैं। आज आप देख लीजिए उन्हीं दल उन्हीं कार्यकर्ताओं पर क्या बीता होगा जो तीनों दलों की विचारधाराएं अलग होने के बावजूद एक दूसरे को शपथ दे रहे हैं कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि ये 2-3-4 साल का गठबंधन नहीं है, ये 20-30 साल का गठबंधन है।
तो आप कहाँ ले जा सकते हैं। और जो संजय द्विवेदी जी अभी कह रहे थे कि चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, इसके लिए तो इन्होंने भी तो उप मुख्यमंत्री का उसी व्यक्ति के लिए रखा था कि उप मुख्यमंत्री एनसीपी से और कांग्रेस से होगा, तो एनसीपी की तरफ से तो पवार ही आ रहे थे उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री के रूप में, तब इनको चक्की पिसिंग नहीं दिख रहा था। और आज उनके साथ हैं, आज भी शरद पवार की बेटी ने उनके पैर छू करके उन्हीं चक्की पिसिंग पिसिंग का सम्मान किया है, तो वो आप कहाँ लेके ले जाके करेंगे। आप कहिए चक्की पिसिंग पिसिंग है तो उसको हटाइए वहां से, उनका विभाजन उस एनसीपी में नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी एक दूसरे के ऊपर थोपने की बात है। और इतिहास ऋतु उठा करके देखिए कि जो बड़ी पार्टी होती है हमेशा मुख्यमंत्री उसी का होता है। पहले भी शिवसेना की ज्यादा सीटें आई थी और बीजेपी की कम आई थी, तब शिवसेना से मुख्यमंत्री रहे हैं। और जब जब बड़ी पार्टी का जो बड़ी पार्टी है और जो छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री रहता है, कर्नाटक में नहीं बहुत कई सारे एग्जाम्पल हैं, कुमार सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाती क्योंकि दबाव में रहती है। और आज भी आप देखिए कि शिवसेना बड़ी पार्टी है तो आज उनका मुख्यमंत्री है, दोनों छोटी पार्टी। संजय जी अब जवाब दे दीजिए, अब आपका ही आखिरकार मुख्यमंत्री क्यों, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कवायद शुरू की थी इसलिए, या फिर पार्टी में की सीटें पार्टी सीटें जाता है तो फिर बीजेपी के साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी की और 69 सीटें थी मायावती जी की, तो मायावती मुख्यमंत्री क्यों बना दिया था? संजय जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने कि जब जब ऐसा हुआ है तो सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि कब जब जब छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया है तो बहुत दिन तक सरकार नहीं चली वो कर्नाटक में। मैं तो आप छोड़िए मायावती नहीं, दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं। और अभी आप कर्नाटक का देख के चलिए 2018 का, कि कांग्रेस ने समर्थन दिया लेकिन छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री चल नहीं पाया बहुत दिनों तक। और आज भी यदि आपका मुख्यमंत्री है तो बड़ी पार्टी होने के नाते है कि आपकी सीटें ज्यादा हैं? नहीं, बीजेपी संग हमारा चलता नहीं क्या गठबंधन? हम उनको धोखा मायावती धोखा थोड़ा देते, उनको हम तो संग 2500 उनको बनाते, उनको भी दोनों पार्टियां बहुत आगे कदम बढ़ा चुकी हैं, अब इस पे बहस करना बड़ा निरर्थक होगी। देखिए सारा झगड़ा तो सीएम पद का ही था, अगर सीएम पद का झगड़ा ना होता तो इतना खेल ही ना होता। बिल्कुल, अब छोड़ देते हैं इस फॉर्मूले को क्योंकि इस फॉर्मूले के कोई मायने रहे नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर संजय जी, द्विवेदी जी से एक सवाल मेरा है ऋतु जी, जी आप पूछ, क्या आप मुस्लिमों को 5% आरक्षण देंगे? क्या वीर सावर जी को भारत रत्न देने की जो आपकी मांग थी वो लगातार रहेगी? या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो कांग्रेस ने आपके सामने रखी है वो आप मानेंगे? मुझे केवल तीन मुद्दों पे स्पष्ट कर दीजिए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बार बार जो आड़े आ रहे थे ये तीन मुद्दे। ऋतु जी 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 बोलो। नहीं मैं कौशिक बोल रहा हूँ, मैं तीनों बातों बड़ा धैर्य सुनिएगा, मैं तीनों बातों आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता माननीय बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, अत्यधिक सम्मान करते हैं, जो अपने मुंह से बार बार वो कहते हैं। अब मैं अभी आपको तो मेरा फोन इसमें लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, मैंने माननीय राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे उनको मैंने ज्ञापन दिया था माननीय बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने का, जिसपे माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास जवाब भी आ गया कि ये जो आपने ज्ञापन दिया है माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा मैंने ज्ञापन दिया था, उसमें महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें लेटर मेरे पास साइन किया हुआ कि आपका ज्ञापन मिला, इस पे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या भारत रत्न आज तक मिला? नहीं मिला। क्यों? देखिए वीर सावर की जो आप बात कर रहे हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास पूरा अधिकार होता है किसको भारत रत्न दे किसको ना दे। अगर उनको देना है तो ये बहस का मुद्दा नहीं है। अटल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था, हम उनका सम्मान करते हैं, किसी पूछा गया था? किसी नहीं पूछा गया। बाकी कितने लोगों को सम्मान दिया गया भारत रत्न का? किसी पूछा गया? आप सवाल से बच गए संजय जी। संजय राउत की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे जी के बयान देख लीजिए, चुनाव के समय पे शिवसेना ने भी वीर सावर जी का जी को भारत रत्न देने की मांग की है। अब यही सवाल है कि क्या वीर सावर को जी सुन लीजिए, वीर सावर को भारत रत्न देने पर सहमति होगी कांग्रेस की जो इतने दिनों से विरोध कर रही थी? नहीं, आप सवालों से बच रहे हैं, रहने दीजिए। मनोज तिवारी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अब ये भी बता दीजिए,
सरकार तो कहीं ना कहीं बनने लग गई है और तस्वीर भी साफ हो गई है, कल तक जो सांस अटकी हुई थी अब वो कहीं ना कहीं खुलकर ली जा रही है, क्या सहमति और चीजों में बन पाएगी? संजय जी तो कहीं ना कहीं उस बात को नकार गए और चीजों को टाल मटोल कर गए, लेकिन क्या मंत्रालयों को लेकर, मंत्रियों को लेकर कुछ अभी ड्रामा और बाकी है क्या? रितु जी, हम लोगों को इस संदर्भ में कोई शंका नहीं थी, शुरू से ही हम लोग बोलते आ रहे थे कि सरकार बनना तय है। रही बात कि अन्य चीजों पर जो चर्चाएं होनी है, क्योंकि कल शपथ होगा, शपथ के बाद बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा परिचर्चा करने के बाद जो है एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है तीनों दलों का वो तय हो चुका है। कुछ चीज़ें सरकार बननी होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे चर्चा परिचर्चा का दौर चलते रहता है। अभी कुछ दिनों तक ये 2-4-5 दिनों तक चलेगा और अंतिम जी ड्रामा तो नहीं चलेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई, मैंने पहले भी बताया, देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि किसी भी जीते हुए प्रतिनिधि को अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में तय करना है, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जो ये तीनों दलों का गठबंधन है और इन तीनों दलों से जो जीत कर आए हुए प्रतिनिधि हैं, उनको पता है कि जनता के बीच में जाकर के हमें अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार पूरे 5 वर्षों तक मजबूती के साथ महाराष्ट्र की जनता के परिपेक्ष में किए गए वादों को पूरा करते हुए करेगी। स्पीकर किसका होगा सर? देखिए ये चर्चा है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर कोई अधिकृत जानकारी मुझे नहीं है। तो देखिए मुझे इसीलिए 1 तारीख दी गई है, अभी 1 दिसंबर इसलिए दिया गया है कि जो 2-3 दिन इनको मिलेंगे उससे बहुत अच्छे से जो मैनेजमेंट कर सकें। और अब शिवसेना प्रेशर में रहेगी, या तो कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस या एनसीपी, थोड़ी सी भी आंखें तकेरेगी नहीं इस पर करना है, तो ये शिवसेना की मजबूरी होगी, हो उसको हम मानना, क्योंकि उद्धव ठाकरे गवर्नर साहब से मिला है, सरकार बनाने का दावा ठोंक दिया, तारीख भी फिक्स हो गई, शिवाजी पार्क में जाकर के शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब शिवसेना प्रेशर पे होगी। कल उद्धव ठाकरे का ये बयान था, नहीं कल उद्धव ठाकरे की, द्विवेदी जी, कल उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा, अरे सर बोलिएगा ना, टाइम मिलेगा तो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए द्विवेदी जी। अरे कल उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि मेरा हिंदुत्व गलत कामों के लिए नहीं होगा, इसका क्या मतलब होता है? हमारे राष्ट्रीय तय करेगा ना, आप तय करेंगे क्या बैठ के चुनाव में कि हमारी नीति क्या होनी चाहिए, हमारे सिद्धांत क्या होना चाहिए? अरे बोलो ना, सोच तो। अरे सर यही बता दीजिए, आप क्यों बैठे हैं? आपके नेताओं ने तय कर लिया होता, आपके नेताओं ने तय कर लिया होता तो यहाँ चर्चा की, यहाँ चर्चा नहीं हो रही होती, यहाँ चर्चा इसलिए हो रही है कि आप लोग तय नहीं कर पाए। अरे भाई हमारे राष्ट्रीय नेता तुमने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो 24 तारीख को अयोध्या के लिए भी कहा था, लेकिन सत्ता के मद में इतने पागल हो गए कि वो अयोध्या भी नहीं जा पाए। ये मत को ये सारा देश जानता है इसको, 24 तारीख की घोषणा उद्धव ठाकरे ने की थी कि हम अयोध्या जाएंगे, और एक एक किसी नेता का, अरे द्विवेदी सुनिए, किसी एक नेता का बयान दिखा दीजिए मंदिर मुद्दे पर, उन्होंने सराहना की हो मंदिर मुद्दे पर, एक बार आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जिस हिंदुत्व की आप बात करते चले आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी, बहुत जल्दबाजी में सरकार बनाई थी लेकिन अंत में इस्तीफे से यहाँ पर किनारा करना पड़ा, लेकिन अब क्या आगे? देखिए हम एक विपक्ष का रोल अदा करेंगे और दिखाएंगे कि विपक्ष कैसा होता है, मजबूत और सकारात्मक विपक्ष कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। यानी कि जो पहले तक एनसीपी और कांग्रेस कह रही थी कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, अब मजबूरन आप लोगों को कहना पड़ रहा है। बड़ा स्पष्ट आपके टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए, देशद्रोही कांग्रेस को रोकने के लिए जहाँ भी जो भी सांवैधानिक रूप से सही करना होगा हम पूरे प्रयास करेंगे, वो करते हैं। दूसरी बात, बाला साहेब ठाकरे को हम अपना आदर्श मानते हैं, बाला साहेब ने स्पष्ट कहा था कि सोनिया गांधी के सामने केवल बीजेपी जो होते हैं वह घुटने टेकते हैं, तो हम बाला साहेब नहीं आते, हमने घुटने नहीं टेके सोनिया गांधी के सामने। हम माननीय बाला साहब ठाकरे से 10वीं बार मिले हैं और उनसे हमारी चर्चा होती है, मेरी बात सुनिए,
मेरी बात सुनिए, मैं बारा हम लोग बारा साहब डांगरे से दसियों बार मिले और हमारी चर्चा होती थी। मैंने बार बार डिबेट के माध्यम से बताया है उनकी विचारधारा जाननी चर्चा होती थी। हमारी विचारधारा क्या रहेगी, हमारे सिद्धांत क्या रहेंगे, मैं छोटी से बता दूंगा आपको। दो मिनट मुझे मौका दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। 1966 सेंट्रल वाला जब महाराष्ट्र की जनता द्वारा ये कहा गया कि साहब आप चुनाव लड़िए, आप 17-18 साल बाद मुंबई नगर निगम का चुनाव पहला लड़ा, पहली बात। इसके बाद वो कहते थे अगर देश में प्रदेश में बाढ़ में अगर सेवा करने की आवश्यकता सभासद बनके करनी पड़े तो आप सभासद बनिए, विधायक बनके करने की आवश्यकता पड़े विधायक बनिए आप, अब एमपी बनने की आवश्यकता पड़े एमपी बनिए आप, और अगर अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर अगर देश की प्रदेश की समस्याओं का समाधान शिवसैनिक कर सकता है तो उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये उनकी विचारधारा थी, आप जो बता रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग मिले हैं, हमने आपके जो आप सम्मान करते हैं बारा साहब ठाकरे के लिए भारत ने मांग की, आपने भारत ने दिया क्या? नहीं, भारत ने दिया क्या आपने? आप इतना सम्मान करते हैं, आपके राष्ट्रीय नेता सम्मान करता है। मोदी जी को तो उन्होंने बचाया था जब गुजरात से मुख्यमंत्री पद उनका जा रहा था, तो माननीय बाला साहब ठाकरे कैसे व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान में याद कर लीजिएगा। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इनको हटाने जा रहे थे, लेकिन बाला साहब ने कहा कि नहीं माननीय मोदी जी को हटाएंगे नहीं, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बात मान ली थी। आज कितना सम्मान रखा माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने बाला साहब ठाकरे का। अगर चलिए उनके लड़के ने कह दिया था कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपको देने में क्या दिक्कत थी? क्या हम विकास नहीं करते? तो विकास नहीं करते क्या? जो आप बात कह रहे हैं गलत बात है, जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने समर्थन कांग्रेस से क्यों दिया या क्यों दिया समर्थन? मैं कांग्रेस वाले बात में बता दूं आपको, कांग्रेस के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता नहीं बता पाएगा आपको, मैं कांग्रेस बारे में बता दूंगा आपको। माननीय सोनिया गांधी आज आज तक कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां बोलती थी, शिवसेना या तो बीजेपी के पाला की फिलहाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब देखिए संजय जी किस तरह से बचाव यहां पर कांग्रेस का कर रहे हैं। नहीं नहीं संजय जी, हर राजनीतिक दल का नेता करता है, ऐसा नहीं है। सुनील जी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अब कांग्रेस का साथ जो है वो शिवसेना को अब पसंद आ रहा है और इसी के लिए नतीजा है कि जो सुर है अब वो बदले नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो सारी राजनीतिक पार्टियों के बदले नजर आ रहे हैं। आप बताओ जिस बीजेपी ने एनसीपी को कोसा गालियां दी रैलियों में, उस बीजेपी को एनसीपी पसंद आने लगी, तो अब आज शिवसेना को कांग्रेस पसंद आ रही है, तो क्या क्या दिक्कत है? वो तो ऐसा राजनीति में होता है। जब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती पसंद आ जाती है बीजेपी को, तो शिवसेना को यदि यहाँ कांग्रेस पसंद आ जाती है तो क्या दिक्कत है? ये राजनीति के परिदृश्य ऐसे देखने को मिलते रहे हैं और मिलेंगे भी, और इस समय मिल भी रहे हैं। अब पार्टियों की कोई नीतियां नहीं है, केवल सत्ता तक पहुंचना है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं परसों हयात के होटल के परिदृश्य को देख करके बार बार चौंकता हूं कि ऐसा परिदृश्य कभी देखने को नहीं मिला कि जहां शपथ दिलवाई जा रही हो कि हम एक पार्टी का नेता अपनी पार्टी के प्रति तो वफादार हो सकता है, अपनी पार्टी की शपथ तो ले सकता है, ये होते हमने देखा है, लेकिन तीनों पार्टियों के नेता तीनों पार्टियों के सर्वोच्च नेताओं के लिए शपथ दें कि सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए कसम दें, तो ये पहली बार देखने को भारत के इतिहास में मिला है कि कोई भी पार्टी का विधायक दूसरी पार्टी के नेता के लिए यदि ये शपथ देता है कि हम उनको धोखा नहीं देंगे, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार करते हैं, ये पहली बार देखने को मिला है। और ये निश्चित तौर से लोगों को मजबूर करेगा आगे जा करके, और ये वोटरों को भी जो वोटिंग करते हैं लोग उनको भी मजबूर करेगा कि आखिर में हम कुछ भी कर लें, किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर लड़ लें झगड़ लें और सोशल मीडिया पे कितना भी किसी को कह लें, लेकिन अंतोगत्वा जो हमारे नेता हैं उनको कुर्सी चाहिए, उनकी कोई नीतियां नहीं है, और जिन नीतियों के तहत जिन विचारधाराओं के तहत हम लोग लड़ते झगड़ते हैं अब वो बंद हो जाना चाहिए। वास्तव में जिसको जहां वोट देना है वो दे, क्योंकि वो उनके नेता सत्ता तक तो पहुंचने ही पहुंचने हैं। मनोज जी क्या कहीं ना कहीं इसके जरिए जवाब देने की कोशिश बीजेपी को की जा रही है कि जहां पर आप एकदम सुपड़ा साफ करने की कोशिश कर रहे थे अब तो हमने सरकार में भी शामिल हो गए हैं, तो क्या ये एक जवाब देने की कोशिश यहां पर की जा रही है कांग्रेस के जरिए कि शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया है? देखिए ऋतु जी, मैं अपने बड़े भाई कौशिक साहब की बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। मैंने भी 30 वर्षों के करीब हम लोगों का भी राजनीतिक जीवन है, अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हमने सुनी थी, हमने सुना था कि खरीद फरोख्त की बातें होती हैं,
लेकिन विगत 5 वर्षों में जिस तरीके से एक संगठनात्मक रूप से एक लॉबी बना करके और पूरे देश में पूरी बेशर्मी के साथ इस चीज का प्रचार किया जाता हो कि हमारा यह लोटस जो है ऑपरेशन लोटस जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार इन सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, इससे बड़ी बेशर्मी लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है। अब चूंकि ये इस मामलों में जिसको भी सरकार बनानी है, जो विधायक जीत कर आते हैं, विधायक शपथ नहीं लिए। मैं एक चीज समझ नहीं पाया कि बार बार इस चीज की चर्चा हो रही थी प्रोटेम स्पीकर के चुनाव के पहले ये होगा वो होगा। हम लोगों को यह स्पष्ट पता था कि जब तक विधायक शपथ नहीं लिए हैं तब तक कोई भी बनी हुई सरकार वैधानिक है ही नहीं, वैध है ही नहीं। तो सरकार बनने के पहले बंदी क्यों कर दी गई? नहीं, मैंने तो मैं फिर इतना खरीद फरोख का डर होने लगा? मैं उसी बात पर आपको जवाब दे रहा हूं। चूंकि जिस तरीके का माहौल बनाया गया भाजपा के द्वारा, एक इस तरीके का वातावरण बना दिया गया कि किसी भी सरकार बनाने वाले जो समानांतर विचारधारा के लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होगा, खरीद फरोख्त का मामला होगा, विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। अब आपको याद होगा कि गुरुग्राम में 3 विधायकों को लेकर आया गया था यहाँ पे और उनको इस गलफत के साथ लाया गया था कि हम कहीं विशेष किसी मीटिंग की वजह से जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर अजीत पवार साहब जब वहां पर गए थे और ये कहकर अपने विधायकों को फोन किया गया था कि आइए यहां पर एक बैठक होनी है, तो निश्चित रूप से कोई विधायक अपने सीएलपी लीडर की बात मान के जाएगा, वहां जा सकता है। तो ये मामला है, इसलिए हम लोग, मैं कौशिक साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं कि राजनीति में जहां तक सवाल है, शुचिता स्थापित करने के लिए, एक मापदंड स्थापित करने के लिए तमाम दलों को इस पर चर्चा करने की जरूरत है। गुलरेज जी, जी आपने सुना अभी मनोज तिवारी को यहाँ पर? ये बोलने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ ना इस बात की, हम किसी चीज के लिए सर सामना में भी आज यही जिक्र किया गया है कि पैसे लेकर विधायकों के पीछे घूमते रहे लेकिन बहुमत खरीदने का जो प्रयास था वो फेल हो गया, और वही आज मनोज तिवारी भी बोल रहे हैं। देखिए मैं बड़ा स्पष्टतः एक बात कहूंगा आपको, कोई कुछ भी कहता रहे कि ईश्वर की दया से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आर्थिक दृष्टि से भी सबसे बड़ी है और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी सबसे बड़ी है, प्रांतों में सरकार की दृष्टि से भी सबसे बड़ी है। यदि आसाम विधानी करना चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन आसाम विधानी नहीं करना था इसीलिए कुछ नहीं किया और ना हम कभी ऐसा करेंगे। लेकिन किसी चीज के लिए नहीं है जी जी, पहले मैं बोल दूं सर आपका सवाल का उत्तर दूंगा, थोड़ा मुझे बोल रहे बहुत बहुत वक्त है यहाँ पर गुलरेज जी के पास, आप लोगों के सवाल के जवाब ही देंगे। जी जी गुलरेज जी बोलिए। हम किसी चीज के लिए अपोलोजेटिक नहीं है क्योंकि हमने असंवैधानिक कुछ भी नहीं किया, यदि हमने असंवैधानिक किया होता तो कोर्ट सीधी टिप्पणी करता, कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी को किसी प्रांत में भी सत्ता नहीं मिले, इसके लिए जो भी प्रयास करना होगा हम करेंगे, यह बात भी निश्चित है। और तीसरी बात, हम बाला साहेब के विषय पर अगर बात करें तो चाहे शिवसेना ने कुछ भी कहा हो, शिवसेना के प्रवक्ता बैठेंगे तो बोलेंगे भाजपा झूठ बोल रही है, हम बोलेंगे कि हम शिवसेना झूठ बोल रही है जो 50-50 की बात कर रहे थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो बात है वो बाला साहेब का खुद का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने स्पष्टता यह कहा है कि एक बात निर्धारित है, जिसके ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री, तो यह बाला साहेब ठाकरे की खुद का वचन है। नंबर एक, नंबर दो, बाला साहेब ने कुछ भी किया हो सोनिया गांधी के सामने कभी घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया, एक ऐसी महिला के सामने जो हिंदुस्तानी रक्त नहीं है जिसमें, तो बावल इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सोनिया के जो हिजड़े होते हैं वही सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकते हैं, तो मुझे इस बात पर गर्व है कि हम हिजड़ों की श्रेणी में नहीं आते। गर्व है उन्हें तो अभी भी। यहाँ पर मनोज तिवारी जी, आप सवाल पूछना चाहते थे, पूछिए जी। गुले जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के कितने राज्यों में आपके की सरकार चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात बताइए, बार बार आप लोग जो इस तरीके का इंटरप्रेशन पूरे भारत में दे रहे हैं
कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप एक डाटा है उसको पढ़िए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के कम ऐसे कई हजार गांव हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं है, उसके बावजूद भी आप भारत के सबसे बड़ी पार्टी हैं। मैं दूसरी बात, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है वैसे अनुसंसदीय भाषा का प्रयोग तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, 70 वर्षों के इतिहास में भारत की जनता ने सबसे ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा किया है। आप भारतीय जनता के विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं क्या? आप भारत की जनता पर विश्वास नहीं करते? दूसरी बात, एक मिनट कुलदेव साहब, मेरी एक बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, आप लोग नैतिकता की दुहाई देकर दुनिया के सारे गंदे काम करते हैं। मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको। अब चूंकि आपने भाषा का गलत प्रयोग किया, उसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक चीज समझिए, आपके देश के आज वर्तमान सरकार के गृह मंत्री के संदर्भ में जो शब्दों का प्रयोग पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है वो बहुत शर्म की बात है। आप लोगों से पूछिए कि उनको ये कहा जाता है कि वो तोड़ फोड़ में माहिर हैं, वो सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। इसलिए गुलेज साहब, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक मर्यादित पार्टी है, कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान अशालीन नहीं होता है। जिन शब्दों का प्रयोग महज 5 वर्षों में आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है, मैं दावे के साथ इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर इस बार आप लोग सरकार के बाहर गए, आने वाले 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति में अता पता नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आप सुन लीजिए, जो सत्ता का गुमान आप लोगों के दिमाग में घूम रहा है वो उसकी सत्ता की ताकत को बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोगों के पास नहीं है। सत्ता शालीनता सिखाती है गुलेज साहब, सत्ता को शालीनता चाहिए। जिस सत्ता के पास शालीनता नहीं होगी वो सत्ता दीर्घायु नहीं हो सकती, दीर्घकालिक नहीं हो सकती। मनोज जी, सवाल बहुत लंबा हो गया, जल्दी से बोलिए। गुलरेज जी, जल्दी से बोलिए। देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़, तो मैं कहता हूँ कि मेरे गृह मंत्री ने वह कार्य करके दिखाया जिसका जो रायता नेहरू जी ने फैलाया था कश्मीर का। कश्मीर का पूरे गुजरात में आपके गृह मंत्री ने क्या किया है पूरा देश जानता है। वक्त आने दीजिए, आपको पता चलेगा। घबराइए मत, ये राजनीति है, क्षमता रखिए। अरे 5 वर्ष तक 303 का आपके पास आंकड़ा है ना, 5 वर्ष तक सरकार आपकी रहेगी, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम कांग्रेसी हैं, सड़क पर उतरना जानते हैं, हम लोगों को पता है। आज सत्ता के विरोध में हम राजनीति कर रहे हैं और सत्ता के खिलाफ में राजनीति कर रहे हैं। मेरे जैसा कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता है जो आपका विरोध कर रहे हैं, सत्ता का विरोध कर रहे हैं। मनोज जी, सत्ता के विरोध करने की ताकत होनी चाहिए, मनोज जी समझ लीजिए आप। सुनील जी, इसके पीछे क्या लगता है? गुलरेज जी अब शांत हो जाइए। सुनील जी, इसके पीछे क्या लगता है? इसके साथ ही परविंदर जी से भी मैं चाहूंगी कि इस पर रिएक्शन उनका आए। अजीत पवार की अब कहीं ना कहीं ये वापसी हो गई है, इससे पहले हम जैसे कि चर्चा भी कर रहे थे, क्या इसके पीछे भी कोई यहाँ पर सहमति बनी हुई होगी, क्या कोई डील यहाँ पर हुई होगी कि अजीत पवार अगर वापसी करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मनाने की कोशिश चल रही थी और जिस तरह से मनाने की कोशिश चल रही थी उससे साफ लग रहा था कि जो ये गठबंधन हुआ है बहुत जरूरत है उसे यहाँ पर अजीत पवार की। हालांकि संजय राउत के जो बयान है वो अलग ही हम उन्हें लेते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई डील होगी और डील अगर होगी तो क्या कुछ हो सकती है? देखो रितु, जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने अजीत पवार का स्वागत पैर छू के किया है, उससे लगता है कि एक तो घर तो बचाना ही बचाना था, लेकिन जो मीडिया रिसर्च कहते हैं, जो हम लोगों का अनुभव कहता है, वो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि अब अजीत पवार को शरद पवार के इशारे पे ही बीजेपी को समर्थन दिया गया। और ये चीज उन्होंने कही थी, मेंशन करी थी कि मैं बताकर आया हूं। और ये वार्ता जो देवेंद्र फडणवीस की और अजीत पवार की 3 या 4 चक्र की जो वार्ता हुई वो उसी इशारे पर हुई, शरद जी के कहने पर हुई। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि जिसके बाद शरद पवार की स्थिति ऐसी खराब हुई कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पार्टी को बचाया, जितनी मेहनत शायद 80 की उम्र में आज कोई नेता नहीं कर पाता है, तो ऐसा लगता, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बात करने के लिए अजीत पवार को भेजा था
उससे दो कदम जाके अजित पवार निकल गए और बाद में विश्वास टूट गया। ये बात निकल के इसलिए आती है क्योंकि न तो आपने उसको पार्टी से निकाला, तमाम गद्दावर नेताओं को, चाहे जगन भुजबल रहे हों, चाहे जयंत पाटिल रहे हों, जिन्होंने घंटों घंटों जाके बात की हो, ये राजनीति की बात है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी शारदा जी को भेजा जो उनकी ताई जी लगती हैं, उन्होंने भी बहुत समझाया और फिर अंत में उन्होंने सदानंद सुले साहब हैं जो सुप्रिया सुले के पति हैं, उन्होंने अंतिम समय में 1.5-2 घंटे समझाया है। तो जब रिश्तेदारी और घर के लोग जब जाने लगे हों तो ऐसा लगता है, ऐसा राजनीति में होता आया है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात रही होगी कि जो दो कदम आगे जाके भतीजे निकल गए और उन्होंने ये सोचा भी होगा, हो सकता है बीजेपी ने भरोसे में लिया होगा, जब आपके पास समर्थन पत्र है और आप विधायक दल के नेता हैं और उनके इशारे पर जब वार्ता कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, हम आपको मुख्यमंत्री का पद देते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि शायद इस बात के लिए ये चचा खुश हो जाएंगे कि देखो मैंने समर्थन दे दिया। लेकिन बाद में जाके प्रदर्शन जो दिखा मीडिया के, जो कांग्रेस ने दबाव बनाया, जो शिवसेना ने दबाव बनाया, दूसरी बात आप उस दिन देखिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कांग्रेस साथ में नहीं थी और कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि शरद जी कुछ खेल खेल सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी से शरद जी की मुलाकात हुई तो कांग्रेस की तत्काल टिप्पणी ये आई कि किसानों के संबंध में यदि मिलना था तो अपने घटक दल जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा उनके नेताओं को भी साथ ले जाते तो बहुत अच्छा होता। तो ये सब चीज। दूसरी बात, शाम को एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम का बयान आता है कि शरद जी यदि गंगा जल में खड़े होकर शपथ दें तब भी हम उन पर भरोसा नहीं करेंगे। उससे पहले संजय राउत का बयान ये आता है कि शरद जी को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एनसीपी की तरफ से राजनीति हो रही थी और उसी राजनीति में एनसीपी अपने भंवर जाल में फंस गई। फिर बाद में ये लगा कि उनको अब ज्यादा हो गई, कहीं ऐसी किरकिरी ज्यादा ना हो जाए कि जैसे कहते हैं ना कुत्ता घर का ना घाट का रहा, वो पोजिशन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने शरद जी ने इस स्थिति को संभाला और ये रिजल्ट देखने को मिला है कि वो सरकार बनाने में सफल हुए। बिल्कुल परविंदर जी, इसी पर आपका रिएक्शन भी, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या कुछ डील है? और जिस तरह से सुनील जी जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि कोशिश यहाँ पर थी एनसीपी एकदम से कुछ ऐसा रिएक्ट करे कि कहीं ना कहीं चीजें उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन शायद ये पासा ही उल्टा पड़ गया यहाँ पर। मैं सुनील कौशिक जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जितना भी कुछ करा है अजीत पवार ने वो शरद पवार के इशारों पे करा है। इसका एक सीधा सा प्रमाण ये है कि उनको पार्टी में वापस लिया गया और उनके साथ शरद पवार के बिना कोई और विधायक है नहीं। अगर वो पार्टी के साथ गद्दारी करते तो उनको कभी भी वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि वो एक एनसीपी के लिए खतरा बन जाता है कि वो आगे जाकर भी कोई और ऐसा काम ना करें। इसका मतलब ये है कि वो उनके विश्वासपात्र हैं और शरद पवार जी का अपनी पार्टी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। देखिए, अब जो तीनों पार्टियां हैं, खास तौर पे जो एनसीपी और शिवसेना है, उनको ये पता है कि हमारे पास सिर्फ ये स्टेट है और हमें जनता को भी जवाब देना है कि हमारी सरकार अच्छी तरह से चले। लेकिन ये जो एक नया इतिहास रचा है इन तीन पार्टियों ने, ये भारतीय राजनीति के लिए एक कोई अच्छा संकेत नहीं देता मेरे विचार से, क्योंकि इस तरह से जो अगर अलायंस होने लगते हैं, जो जैसे यूपी में भी हुआ है अलायंस इसी प्रकार का, लेकिन यहाँ पे जो अलायंस हुआ है वो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां थी। देखिए, दो पार्टियां अलग क्यों होती हैं? उनकी विचारधारा अलग होती है, उनकी विचारधारा मैच नहीं करती। जो राजनीतिक पार्टियां, उनका मोटिव एक ही होता है कि देश सेवा और सत्ता में आना। लेकिन अगर हम उस सारी चीज को देखते हैं तो इसके अंदर इनको अपनी सरकार को चलाएंगे, क्योंकि दोनों ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और ये मेरे को ये लगता है कि ये सरकार को अच्छी तरह से चला पाएंगे और उनको ये भी पता है कि हम एक दूसरे के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की एक ही शर्त थी कि हमारा सीएम हो, उनको उन्होंने सीएम बना दिया। जो शपथ यहाँ पर ली गई थी परविंदर जी कि एक साथ हम रहेंगे, यानी कि अब एक साथ रहना कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियों की मजबूरी है। अभी देखिए, जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको मेरे ख्याल से अभी तक जो सावरकर जी की बात है या हिंदुत्व की बात है उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और बाकी पार्टियों को ये भी कहना चाहूंगा कि भी दुश्मनी करो तो जम के करो, पर याद इतना रहे फिर से दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इस करके जिस प्रकार से पहले प्रहार होते थे अपोजिशन के ऊपर, अब वो प्रहार मेरे को लगता है कि सोच समझ कर होंगे। बिल्कुल। चलिए, गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, मनोज पंडित जी, नेता बीजेपी के, यहाँ पर उनसे भी चर्चा में यहाँ पर शामिल होंगे।
लेकिन बार बार सुनील जी मेरे मन में यही आ रहा है, मैं यही सोच रही हूँ कि आखिरकार अब अगर यहाँ पर गठबंधन कर लिया गया है, कल शपथ भी ले ली जाएगी, तो क्या जो पहले यहाँ पर तकरार थी, सहमति ये थी कि क्या मंत्रालय किसके पास होगा, स्पीकर का कहीं या फिर उप मुख्यमंत्री का, इन तीनों पदों को लेकर बहुत खींचतान एनसीपी और कांग्रेस के बीच में चल रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो वो तो था वो तय हो चुका था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन से चेहरे सामने आएंगे, शायद इसको लेकर भी तकरार हो। नहीं देखो, दोनों पार्टियां अब तय करेंगे, और मुझे लगता है जो विधान के विधायक दल के जो नेता हैं वही उप मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। दूसरा, लगभग तीनों पार्टियों का तय हो ही चुका था पहले, तो मुख्यमंत्री इनका होगा, तो गृह मंत्रालय शायद एनसीपी के पास जाएगा और राजस्व कांग्रेस के पास जाएगा लगभग, और 14-14 मंत्रालय होंगे। पहले 12 मंत्रालय कांग्रेस को देने की बात हो रही थी, फिर बाद में 14 मंत्रालयों पर मोहर लगी है, तो लगभग मंत्रालय और सारा सिस्टम तो तय है, लेकिन मामला अटका था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे थे, वो जहां उद्धव ठाकरे जी ने संजय राउत को भेजा था, उस मीटिंग में संजय राउत मानने को तैयार नहीं थे, और ये कह के चले आए थे संजय राउत का हम अपनी शिवसेना में पार्टी में जाके बात करेंगे, और बात करने के बाद देखेंगे क्या स्थिति होती है। उसमें 2-3 मुद्दे थे, कांग्रेस ने कहा कि वीर सावरकर को जो भारत रत्न देने की आप मांग कर रहे हैं उस मुद्दे को आप छोड़ दीजिए, दूसरा जो आपका हार्ड हिंदुत्व का चेहरा है उसको सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में आप लाना पड़ेगा, और ये कल ये इशारा भी हो गया, कल उद्धव ठाकरे ने ये कहा, भरी तीनों पार्टियों के विधायकों की मीटिंग थी, कि मेरा हिंदुत्व गलत कामों के लिए नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो उस हिंदुत्व के मुद्दे पर जो चेहरा शिवसेना का जाना जाता था उस पर नहीं आएगा, लेकिन बात अब बढ़ेगी कि जो कांग्रेस ने रखा कि 5% मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए, ये भी साइड में कर दिया गया था मुद्दा, लेकिन इन जरूर ऐसे मुद्दों पे बात होगी। दूसरी बात, जो उप मुख्यमंत्री की बात है, वो दोनों पार्टियां तय करेंगी कि स्थिति क्या बनती है, लेकिन सब कुछ अब तय हो गया है, अब शिवसेना मुझे लगता है दबाव में रहेगी, और ये निश्चित तौर से मानिए चाहे सरकार बन गई है, लेकिन जो शिवसेना का वहां रुतबा हुआ करता था, जो हमने कई बार आंखों से वहां देखा है, वो रुतबा अब नहीं रहा, उस मातोश्री का रुतबा अब नहीं रहा, कि 2014 में जब मैं वहां था, सरकार ये बनने को थी ऋतु, तो मैंने वहां देखा कि अमित शाह ने जब उद्धव ठाकरे को किसी 5-स्टार होटल में बुलाना चाहा, तो 3 घंटे मीटिंग कैंसिल हुई और उद्धव ठाकरे ने यह मना कर दिया कि अमित शाह को मातोश्री ही आना पड़ेगा, और 3 घंटे बाद अमित शाह को मातोश्री ही जाकर के मीटिंग करनी पड़ी थी, और ये इतिहास रहा है कि न बाल ठाकरे न उद्धव ठाकरे कभी मातोश्री से किसी राजनीतिक प्रपंच के लिए नहीं निकले, सारी राजनीतिक गतिविधियां मातोश्री से होती थी, उद्धव ठाकरे ने आज तक के इतिहास में या बाल ठाकरे ने कभी मातोश्री से बाहर जाके राजनीतिक मीटिंगें नहीं की। तो ये एक थोड़ा सा है कि जो चेहरा, जो धमक शिवसेना की महाराष्ट्र में थी, जो आज मुझे लगता है कि जितने भी होटल बड़े बड़े हैं सब में उद्धव ठाकरे घूम आए हैं, सारी जगह मीटिंग हो चुकी है, और जहां शरद पवार ने उनको बुलाया है उनकी शर्तों के हिसाब से उद्धव ठाकरे को वहीं पहुंचना पड़ा है, ये थोड़ा सा जो लीक से हटके हो रहा है वो शिवसेना को ये मंजूर करना पड़ेगा, शिवसेना के लोगों को ये मंजूर करना पड़ेगा कि अब राजनीति में आप आ गए हैं, तो राजनीति के परिदृश्य में अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, अब कंधे से कंधा मिलाकर के जितना उत्तरदायित्व तो आपका कांग्रेस का एनसीपी का है, उसी हिसाब से और पार्टियों के नेता घरों से बाहर निकल के मीटिंगें करते हैं, वो भी आपको मातोश्री छोड़ करके बाहर न जाना। जी जी, संजय जी, सुना आपने सुनील कौशिक जी को, मंजूर है क्या, कहीं ना कहीं जो एक धमक होती थी वो धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है अब। संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको क्या हमारी? शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन क्या परविंदर जी आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, एक तरफ देखिए तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस चीज का सामने आगे करना पड़ेगा, जो हमने पहले भी चर्चा के पहले जिक्र किया गया कि जो ये पूरा घटनाक्रम चला, जिस जल्दबाजी से यहां पर सरकार बनाई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और शायद हो सकता है जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी आज एक घोषणा पत्र का ऐलान होने वाला है, रविशंकर प्रसाद वहां पर गए हैं, तो क्या इसमें भी इफेक्ट महाराष्ट्र का झारखंड में भी पड़ सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो आज की राजनीति है और जो पुरानी राजनीति है उसमें बहुत अंतर आ गया है। आप देखिए, जो बाला साहब का रुतबा था वो किसी और का रुतबा हो नहीं सकता, और इंसान को हालात के साथ समझौता करना पड़ता है, जिस प्रकार से उसकी पोजीशन होती है उसको समझौता करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आज के समय में हर व्यक्ति समान सम्मान चाहता है।
अगर आप आपने अलायंस कराया तो आपकी डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना हो, सबको समान रूप से सम्मान देखिए, बेसिक चीज है आपको सम्मान मिले। जब आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपकी आपस में विचारधारा भी मिलेगी और आपकी सेटलमेंट भी हो जाएगी, चाहे मंत्रालयों के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए भी हो। जहां पे आप अपना आपका ईगो क्लैश करेगा वहां पे कभी भी आपका जो है सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। अगर उद्धव जी ने पूरी पुरानी प्रथा को तोड़ा है तो देखिए, जब तीन बड़ी पार्टियों के बीच में अलायंस होता है तो उनको अपने घर से निकल के आना ही पड़ेगा और उसके बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं उनको, महाराष्ट्र की सत्ता मिली है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। मनोज पंडित जी का रुक कर लेते हैं। मनोज जी, आपने अभी अभी चर्चा में ज्वाइन किया है, मीठा खाया आपने, आपको पता चला है मीठा किस खुशी में था? वो सरकार की मिठाई यहाँ भी आ गई है, सरकार की नहीं है, वो कांग्रेस की मिठाई है। कांग्रेस के आपके मित्र ने बगल में बैठे हुए, उन्होंने खिलाई है। चलो कोई बात नहीं, मिठाई तो मिठाई होती है, वो प्यार है उनका और वो हमें स्वीकार है, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। तो अब तो आप देख ही चुके हैं, अब कल तक हम लोग परसों तक डिबेट में बैठे थे, सब लोग यही कह रहे थे कि वो सीबीआई का डर है और ईडी का डर है और उस डर की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये अब सारी सच्चाई आपके सामने है। कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आपने देखा कि आज शाम को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, कल मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेंगे वहाँ और कल दोबारा आएगी मेरे मित्र कौशिक साहब ने बोला दोबारा मिठाई आएगी। क्यों मनोज तिवारी जी, उनका कहना है कि अभी शपथ लेने दीजिए फिर मिठाई आएगी। चलो कोई बात नहीं, मिठाई आएगी तो हमें आपके लिए अच्छा ही है, मिठाई खाने का हक है हमारा, आप खाएंगे भी हम लोग। तो जैसे अभी कौशिक साहब ने बोला कि अभी तक जो धाक, जो शिवसेना की धाक महाराष्ट्र में थी, अब वो पहले किसी से मिलने नहीं जाते थे, अब वो जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। तो पूरे खेल के जो चाणक्य थे शरद पवार जी, वो अपनी चाल में कामयाब हो गए, उन्होंने जो तय किया था, जो चीज़ें बनाई थी वो सब हो गई हैं और हमने ना कोई हॉर्स राइडिंग की ना कोई खरीद फरोख्त की। अगर हम कर रहे होते तो आज शायद हम लोग बना के बैठे होते, जब हमें लगा कि अजीत पवार की गई थी, वो कहीं नहीं मिल पाया। नहीं, मौके की बात ही नहीं है, आप देखिए ना सोडी साहब, जो अगर बाहर को टहलने भी निकल रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा था। नहीं, कहां पकड़ के, अगर पकड़ के लाया जा रहा हो तो सरकार ना बना लेते हम लोग। नहीं, आपने बताइए, आपने तो सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी भेजे, सेना के कुछ विधायक टहलने के लिए निकले थे उन्हें पकड़ कर वापस लाया गया, कुछ अगर एनसीपी के विधायक दिल्ली पहुंचे थे तो उन्हें वापस ले जाकर महाराष्ट्र जाया गया। देखिए ये जो सरकार बनी है ना, तीनों पार्टियों को इस चीज का एहसास है कि उनको इतनी ज्यादा मशक्कत के साथ मिली है तो अब उनको इस पोजीशन की वैल्यू भी होगी जो ये सरकार मिली है। नीतू जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है और ये स्वागत योग्य है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र जो अगर मेरा डाटा सही है तो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 7% अकेले महाराष्ट्र का योगदान होता है। महाराष्ट्र में विगत 5-6 वर्षों से बहुत बड़ी समस्या किसानों की रही है, बहुत बड़ी समस्या, विदर्भ का मामला हो या महाराष्ट्र के अन्य भूभागों का मामला हो, तकरीबन 12,000 किसानों ने आत्महत्या की महाराष्ट्र में। सवाल ये था कि गठबंधन क्यों हुआ, गठबंधन इस वजह से हुआ था कि कोई भी सरकार जो है वो अकेले दम पर बहुमत लेकर नहीं आई, तो ये मेल तो होना ही था, किसी के साथ होता। अगर भारतीय जनता पार्टी का मेल शिवसेना के साथ था, शिवसेना के साथ गठबंधन था और महाराष्ट्र की जनता ने, मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र की जनता ने किसी एक दल को बहुमत दिया, महाराष्ट्र ने खंडित बहुमत दिया, तो उस आधार पर भी अंततः भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से मैंडेट मिला, दोनों को मिलकर सरकार बनानी थी। भारतीय जनता पार्टी 105 का आंकड़ा लेकर के सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई। मेरा अपना मानना है, मेरा निजी मत है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में महाराष्ट्र की जनता के लिए सरकार बनानी चाहिए था। सर बना तो रहे थे, नहीं, बना तो रहे थे। मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। लेकिन आड़े क्या आया, महज मुख्यमंत्री की कुर्सी। बार बार भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है, समर्थन हम किसी का नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कर सकते। जितना ने दिखाया, जितना कहीं ना कहीं कह सकते हैं ढीठ बना, सुनील जी भी शायद इस बात से वाकिफ करें कि शिवसेना ने दिखाया, वो भी तब जब सीटें इतनी नहीं थी,
तो वो किसी के लिए हम नहीं कह सकते। रितु जी जब से सेना को पता चल गया रितु जी उनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग चालू कर दी। आप बताइए उन्होंने ब्लैकमेलिंग चालू कर दी ना, वो 22 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोलने तैयार हो गए कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये तो बात है जब इनके गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया तब डिसाइड हुआ कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। इतनी बड़ी चिंता है, इतनी बड़ी चिंता थी तो उनको इस कुर्सी का मोह त्यागना चाहिए था। उनको भाई 30 वर्षों का संबंध है सर, वो बोलते रहे त्याग दिया था, के संबंध हमने तो त्याग दिया था, लेकिन जब 20 दिन तक ये आपको आपको क्या उसका कारण तो सरकार बन गई। रितु जी मैं उसका कारण बताता हूँ। देखिए दरअसल क्या है, एक मिनट मुझे एक सवाल लेना, मनोज जी मैं आऊंगी, एक मिनट मुझे संजय जी से सवाल लेने दीजिए। संजय जी मेरा सवाल पहले आपने सुना और उसके उससे पहले जब आपसे आवाज नहीं मिल पा रही थी सुनील जी की शायद बात आपने सुनी हो, कहा था कि जो ये तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं शिवसेना का जो वजूद था जो धमक थी महाराष्ट्र में वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और अब इनको संभल कर चलना पड़ेगा अगर उस धमक को पाना है, उस चमक को पाना है। नहीं नहीं ये देखिए बात कहना गलत है, शिवसेना की धमक है रहेगी और आगे तक रहेगी, आगे समझ लीजिए। गठबंधन मैंने पहले ही आपसे कहा कि आज हिंदुस्तान में गठबंधन युग चल रहा है, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 89 में सोचा था, अगर 89 में समझौता शिवसेना से गठबंधन किया था उस समय में गठबंधन के बारे में सोचता नहीं था, आज तो आम बात हो गई। चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे गोवा देख लीजिए, चाहे पंजाब देख लीजिए, कहीं देख लीजिए आप, हर जगह आपको गठबंधन सरकारें मिलेंगी। तो गठबंधन की जो भी एक चीज हमारे वक्ता लोग कह रहे थे, गठबंधन की एक एक गठबंधन धर्म होता है। अगर धर्म बीजेपी निभा रही, चलिए मैं गलत मांग कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, अगर मैंने मांग 30 वर्षों में पहली बार कोई मांग की तो उसको पूरा करना चाहिए था। तो अगर ये गठबंधन धर्म इसी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से चले, आज कांग्रेस शिवसेना एनसीपी की जो सरकार बन रही है, हम लोगों को गठबंधन का धर्म निभाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी समितियां बनी हुई है। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे कह दूं कांग्रेस के बारे में, जो बार बार ये आ रहा है कांग्रेस आप चले, कांग्रेस माननीय सोनिया गांधी सांसद है या नहीं ये मुझे बताइए, सोनिया गांधी सांसद है या नहीं ये बताइए मुझे। आज वो अगर सांसद है तो उनके साथ वो प्रधानमंत्री बन सकती है, मंत्री सब बन सकती है, लेकिन उन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, जिसके लिए फरवाड़े जितना परेशान हो गए हमारे देवेंद्र जी, जो कूद के रात रात में शपथ ले ली सर, उसमें तो राहुल गांधी की मंशा भी सामने आई थी ना कि परिवार के साथ इतना सब कुछ हो चुका है, अब चाहते नहीं है कि सोनिया गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। रितु जी अभी अब तो कांग्रेस आपके साथ है तो ये तमाम चीजें तो पता नहीं। कांग्रेस ने जो भाजपा पार्टी कहती है, कांग्रेस ने क्या किया आज 70 साल में, कांग्रेस जो किया भाजपा अभी तक नहीं कर पाई है। आप देख लीजिए जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो कितनी रेलवे छोड़ गए थे, पहले कोयले का इंजन चलता था, आज इंजन चल रहा बिजली का, आज जो अभी अभी आपका रॉकेट लॉन्चर हुआ है ये किसकी देन है, ऐसे में सुई से लेके आज एरोप्लेन भारत में बन रहे हैं, कहीं बन रहे हैं आप समझिए, आज हमने जो रॉकेट छोड़ा है किसके किसकी देन है, ये सब कांग्रेस की देन है। तो ये इसको मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टी नहीं है, राष्ट्र विरोधी पार्टियों से गठबंधन कर लेते हमें कोई मतलब नहीं है, वो आपकी नीतियां हैं आप जाने, आपके सिद्धांत है आप जाने, हमने जो गठबंधन किया है बिल्कुल पैरामीटर में सही है, वो राष्ट्र विरोधी ना एनसीपी है, राष्ट्र विरोधी काम है। द्विवेदी जी गठबंधन आपका बीजेपी से भी था 5 साल और इससे पहले भी 2 बार बीजेपी से गठबंधन रहा, एक मुझे स्थान बता दीजिए, मुझे एक मीटिंग बता, आप सुन लीजिए ना पूरी बात, एक मीटिंग मुझे बता दीजिए जो उद्धव ठाकरे जी ने मातोश्री से निकल के राजनीतिक मीटिंग की हो, एक बता दीजिए सर मुझे। देखिए आप शायद उद्धव ठाकरे से मिले नहीं होंगे, किनसे बता दूं आपसे, देखिए सुन तो लीजिए मेरी बात, आप नहीं मिले होंगे, हम लोग उद्धव ठाकरे से काफी बार मिले, माननीय बाला साहब ठाकरे मिलने का मुझे मेरा सौभाग्य है मिलने का मौका मिला, उद्धव जी से भी रिसेंटली में मिला था, स्पष्ट रूप से बात हुई थी कि मातोश्री से मैं निकलूंगा और पूरे देश को घूमूंगा, जो घूमूंगा निकलूंगा बात अलग है, घूमूंगा और निकलूंगा अलग बात है, मैं तो अभी इन 5 सालों की बात कर रहा हूं कि आपके साथ बीजेपी के गठबंधन की सरकार रही, इसमें मुझे एक राजनीतिक मीटिंग आप बता दीजिए कि आपने मातोश्री से निकल के देवेंद्र जी के साथ, अमित शाह जी के साथ या अन्य किसी बीजेपी के नेता के साथ आपने की, सुन लीजिए गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी हुआ, गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न विचारधाराओं के द्विवेदी जी, गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न विचारधाराओं के साथ हुआ, अखिलेश यादव को जाना पड़ा मायावती जी के यहां बार बार, आज तक मायावती जी नहीं गई निकल के घर से,
ठीक है, न किसी होटल में गई और न अखिलेश यादव जी द्वारा बुलाए गए स्थान पे गई, अन्य नेताओं को जरूर भेजा लेकिन मायावती जी नहीं गई। वो उद्धव ठाकरे जी ने इस मिथक को तोड़ा है कि मातोश्री से निकल के फाइव स्टार होटलों में मीटिंग की है, इस बात को मान। और सुनिए, और ये सरकार आप सुन लो, आप सुन लो ना, अरे संजय जी सुन लीजिए, आपने अपने विधायकों को बंधक बना के निश्चित तौर से रखा होगा, बहुत अच्छे से रखा होगा कि बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल उनसे संपर्क न कर पाए हों, सरकार बनने के बाद बाहर आने दीजिए। यही विधायक आपसे कहेंगे कि जो मिथक जिसके लिए जानी जाती थी शिवसेना, वो सत्ता के लालच में आप लोगों ने तोड़ा है। देखो सहज स्वीकार करो इसको, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत बहुत बधाई का आपकी सरकार बनी, बहुत बहुत बधाई आपकी सरकार बनी, लेकिन ये आपको सहज स्वीकार करना पड़ेगा कि सत्ता के लालच में आपने मातोश्री को मातोश्री से निकल कर जाना पड़ा आपको, और उन नेताओं के सामने उन नेताओं के चुनाव हुए स्थान पर जाना पड़ा आपको, उन होटलों में जाकर के आज उद्धव ठाकरे के कदम नहीं पड़े थे, उन होटलों में जाकर के आपको चाय भी पीनी पड़ी उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुस्तान में नहीं रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बताना चाहिए उसका कारण है, उसका कारण बताता हूँ। आपके साथ की पार्टी ही बोल रही है, देखिए देखिए शिवसेना क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी मान नहीं जाएगा। आज जो नया गठबंधन पड़ा है ये आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन काम आएगा। उम्मीद है जो गठबंधन आप तीनों पार्टियों का हुआ है उस पर कभी कोई डिबेट ना हो, 30 साल चलेगा, कभी इस तरह का मतभेद ना सामने आए, यही करते हैं। मुबारक आपको संजय जी, बहुत बड़ी बात, संजय जी अब चुप सरकार नहीं बनेगी, हर हालत में सरकार बनेगी, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। अभी सर झारखंड का चुनाव है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे आप लोग अपनी मनसा को और अपनी बातों पर कम से कम संयमता बरतने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों ने यही रवैया कायम रखा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आजसू आपके हाथ से चला गया, लोजपा आपके हाथ से चला गया, अब जदयू जाएगी और आपकी स्थिति यह हो जाएगी कि पूरे भारत वर्ष में कोई छोटा दल आपके साथ गठबंधन करने के लिए राजी नहीं होगा। और आप जो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, दया ना करें आप देखो आप नहीं, आपके पर बचे पर दया आ रही है हमें, नहीं 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 हमको इसलिए दया आ रही है कि 5 वर्षों में आप पुनः देखिए, आपका एक बात दिमाग में रखिए, ये अटल युग नहीं है, ये अटल युग नहीं है। अटल जी को पूरे देश के लोगों ने सम्मान दिया था, पूरे राजनीतिक दलों ने सम्मान दिया था। आज आपके आज की तारीख में सत्तासीन महज 2 लोग पूरे सत्ता का संचालन कर रहे हैं। आप वो छोड़ दीजिए, हमारे 2 लोग तो कर रहे हैं, आपके 2 भी नहीं है, ऑफलाइन के 2 भी नहीं है, हमारे 2 तो हैं। पूछ लीजिए, नहीं आपके पार्टी का कोई नेता आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से खुश नहीं है, आप समझ आप राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए, तो आप जाके आप राजनाथ सिंह जी से लाओ कोई बयान दिखाइए हमें, मैं तो आपको 1.5 हजार बयान दिखा रहे हैं, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ, आपके नेता आप 370 एक बात और बताओ भेद रहा मेरे मित्र, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस भारत में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतिभागी हैं, अगर उनसे पूरा कैबिनेट का नाम बनाने जा रहे हैं ना, पूरे कैबिनेट का नाम पूछवा दीजिए, रहने के बावजूद पता है इसलिए कि वहां पर प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल को कोई नहीं जानता, उनकी कोई बात नहीं सुनता। आप अखबार उठाइए और अखबार में अगर किसी भाजपा के बात सुनता है आप बताइए, माधवराव सिंधिया क्या कह रहे हैं, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, कमलनाथ ने कांग्रेस के कांग्रेस में अपनी ताकत को और पूरे देश में अपनी ताकत को सिद्ध किया है। देखिए कांग्रेस में कोई ऐसा राज्य नहीं है, मैं कह रहा हूं हरियाणा का चुनाव अभी हुआ ना, स्तर का नहीं, अभी हरियाणा का चुनाव आपके पास कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, फटवारी इसको आप कब से जानते हैं,
देवेंद्र फडणवीस को 5 साल पहले से जानते थे क्या? कोई नहीं जानता था। आप बात कर रहे हैं उनका कोई आधार ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है। देखिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नगर मनोज जी, एक मिनट, आपने देवेंद्र फडणवीस की बात की ना, क्यों नहीं जानता था? मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं जानता था? क्योंकि वो किसी परिवार का नहीं था, क्योंकि वो किसी परिवार के नहीं थे, कोई एक आम कार्यकर्ता थे। और ये अगर देखा जाए तो आम कार्यकर्ता को किस तरह से यहाँ पर अहम संगठन के नेता थे? आपको बताइए क्या उनका इतिहास? बताइए ना, बताइए बताइए, मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए, बता रहा हूँ आपको, बताइए। देवेंद्र फडणवीस ने इतिहास जब राजनीति जब स्टार्ट की तो कॉलेज लाइफ से उन्होंने अपनी राजनीति स्टार्ट की। उसके पहले वो वहां पे नागपुर में उन्होंने जिला पंचायत को चुनाव लड़ा, जिला पंचायत मेंबर बने, फिर वहां मेयर बने, उसके बाद ये विधायक बने, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। ये उनका इतिहास है, आपको पता ही नहीं नेता है, आपने खंगाल के लाया होगा। नहीं तो आप महाराष्ट्र के लोग जानते हैं क्या? क्या बात है, देश के लोग जानते हैं? लेकिन मुझे पता है आप बोलना क्या है, करना क्या है, हवा में बातें कहते हैं। आपने खंगाल के लिए क्या है? अरे मनोज जी, हवा में बात नहीं की जाती, कांग्रेस हवा में चलती है, कांग्रेस हवा में चलती है। अरे आप अपनी पार्टी का बता दीजिए ना, अगर आप में कहीं कुछ होता है। एक मिनट मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी रुक जाइए। अरे आप तो बताते हैं कि ये प्रियंका गांधी के रिश्तेदार है, वो राहुल गांधी के रिश्तेदार है। आप लोग क्या कहते हैं कि कौन कहां से आया? आप लोग क्या कहते हैं कि कौन कहां से आया? आप बताए, आप ये बताइए पहले। जवाब दूं? नहीं नहीं, पहले मेरी पहली बार में बात सुनिए। आप कहते हैं कि कौन कहां से आया, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों में क्या होता है कि ये फलाने का रिश्तेदार है, ये फलाने का रिश्तेदार है, ये उसका परिवार का है, उसका बेटा है, ये बेटी है। कौन परिवार का है? आप लोगों में क्या होता है? अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? अरे भाई आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड परिवार की बात, सबसे सीनियर व्यक्ति आपके साथ हमारी डिबेट गलत है। राजनीतिक पार्टी का कि अपनी जो बातें हैं वो ऐसे सामने रखें कि जो जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं उस पर बात ही नहीं करनी, जिक्र करना ही नहीं है कि आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा है और कैसे सरकार बनेगी। महाराष्ट्र जी, परविंदर जी, परविंदर जी बोलिए। ये ना डिबेट है तिवारी जी, मैं माफी चाहूंगा, आप जब डिबेट करते हैं ना, आप लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, वो बहुत लंबा हो जाता है और डिबेट कहीं और चले जाती है। आप बीजेपी के एडवाइजर मत बनिए, आपको भी आत्ममंथन की जरूरत है। आप अपनी पार्टी में देखिए, मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप उनके एडवाइजर, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, उनको सलाह दे रहे हैं आधार पर विरोध। हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, अगर उसी विषय में बात करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की बात चल रही है। अगर किसकी क्या कमी है, आत्ममंथन दोनों को जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को भी आत्ममंथन की बहुत बड़ी जरूरत नेता है। और मुझे बोलना है महाराष्ट्र के, मैं महाराष्ट्र के प्रति, वो तो सत्ता पक्ष में, आप विपक्ष में भी नहीं है। आप कह रहे हैं कौन सा डंडा खा के आया, वो डंडा खा के नहीं आया राहुल गांधी जी ने, कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा प्रश्न आपसे पूरी सादगीता से अभी भी यही है, आप बताइए जन आंदोलन का नेता महाराष्ट्र में कोई है आपका? क्यों बताइए, राहुल गांधी जी हैं, आप बताइए, जन आंदोलन के नेता राहुल गांधी, आप बताइए गांधी परिवार में सर, मैं पूरी शालीनता से आपसे कहता हूं, आपकी बात देखिए, आप डाइवर्ट कर देते हैं, राहुल जी जैसे चुप बैठे, आप जो डिबेट को डाइवर्ट कर देते हैं। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी महाराष्ट्र पर बोल रहा हूं। आप राहुल गांधी पर बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी से लेके मोदी जी से लेके अमित शाह जी के पीछे, भारत के बारे में बोला आपने, किसके बारे में नहीं बोला सर, आपने किसके बारे में नहीं बोला? जी जी सुने जी, तिवारी जी ने ये कहा कि जो बीजेपी के साथ छोटे छोटे गठबंधन की पार्टियां हैं वो अलग जा रही हैं। और ये तिवारी जी बड़ा सहज स्वीकार करेंगे कि जब जब छोटे छोटे दलों से गठबंधन हुआ है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हुआ हो चाहे प्रदेश स्तर पर हुआ हो, हमेशा जनता का नुकसान हुआ है। 90 के दशक की बात आप कीजिए, जब छोटे छोटे दलों ने कई प्रधानमंत्री बदले, देश को क्या मिला? बिल्कुल 10 से 12 साल ऐसे ही चले गए। दूसरा, आप उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाइए, हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, कहीं यहाँ चाहे
कांग्रेस को तोड़ के नरेश अग्रवाल ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई हो, तब कल्याण सिंह को समर्थन दिया हो, तब क्या होता था, रोज शाम को सरकार गिरती थी। बहुजन समाज पार्टी की समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो क्या हुआ इनको। दूसरा, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, इस बात को बड़ा सहर्ष ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि छोटे छोटे राजनीतिक दल हमको खा गए, हमारी पार्टी को खा गए, काश हमने उनको न समर्थन देकर के उनको न खड़ा किया होता तो आज कांग्रेस की दुर्दशा ये न होती। चाहे आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे हरियाणा में ले लीजिए, चाहे पंजाब में ले लीजिए, अब आपकी सरकार पंजाब में आ गई है, लेकिन वो छोटे छोटे राजनीतिक दल जो कई दशकों पहले आपने उनके साथ सरकारें बनाई थी, आज वो खड़े हो गए और कांग्रेस वहां से खत्म हो गई। आज 30 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप इसका श्रेय किसको जाते हैं। दूसरी बात, आपने 2004 से 2014 के बीच सरकार 10 साल कांग्रेस की केंद्र में रखी, उससे पहले आप बात कीजिए, यदि आपके पास अधिक संख्या में सीटें नहीं आई होती, बहुमत के करीब आप नहीं हुए थे, तो दुर्दशा आपकी वही होती जो 90 के दशक में पार्टियों की हुई, चाहे गुजराल हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे बीपी सिंह हो, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे। तो ये देश को समझना पड़ेगा बड़ा अच्छे नेता के रूप में कि यह देश को हमें बहुत आगे तक ले जाना है, तो उन छोटे छोटे दलों की जो मांगे होती हैं, जो केवल और केवल उनकी पार्टियों का भला होता है, जिसमें जनता का भला नहीं है, वो केवल अपने खजाने भरती हैं, उनके साथ थोड़ा सतर्क रह के समझौते करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ी पार्टियां उनकी जो वैसी मांगे हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनकी औकात नहीं है दो सीट लाने की, अब वो कहें हमें 10 सीट दे दीजिए, और आप कह रहे हैं कि 10 सीटें दे दे बीजेपी, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, वो कांग्रेस को भी नहीं देनी चाहिए। और आज शरद पवार जी यदि महाराष्ट्र में खड़े हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो आप ही की देन है। यदि आपकी पार्टी को तोड़ के वो खड़े हुए और आपने फिर दोबारा उनसे गठबंधन न किया होता तो शरद जी आज यहां नहीं होते। बार बार आपने गठबंधन करके शरद जी का सम्मान रख करके वो आज स्थिति यहां तक है। तो ये सारे राष्ट्रीय दलों को सोचना पड़ेगा कि जब जब छोटे राजनीतिक दल अवकाश से ज्यादा सीटें मांगे या समझौते करने पर मजबूर करें तो मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं मानना चाहिए। क्या स्थिति, हम ये कहें कि अभी कांग्रेस की ये बनी है कि विकल्प सामने आ रही है महाराष्ट्र में। आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनने की बात कर रही थी, आप बताइए, अभी आपने जो पूरा इतना बताया, मैं वही क्या था मनोज, देखो जो जितनी बड़ी पार्टी होगी हमेशा मुख्यमंत्री उसका होता है। पहले भी शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, तब शिवसेना की सीटें ज्यादा थी और शिवसेना का मुख्यमंत्री था। लेकिन और इतिहास प्रदर्श दूसरे स्टेटों का उठा के देख लीजिए कि जब छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है और बड़ी पार्टी के समर्थन देती है तो वो सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाती। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे कर्नाटक में आप देखिए, चाहे उत्तराखंड में आप देख लीजिए, सब जगह ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये छोटी पार्टी को भी दिल से आत्मा से मानना पड़ेगा, यदि सीटें जनता ने उनको ज्यादा दी हैं तो निश्चित तौर से लोकतांत्रिक तरीके से उनको बड़ी जीत हासिल हुई है, तो मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए। दूसरा, ये शिवसेना के द्विवेदी जी बैठे हैं, स्वीकार करेंगे, सरकार बीजेपी की चाहे रही हो या न रही हो, हमेशा वहां शिवसेना की चलती है, और बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जरूर रही हो, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं जो शिवसेना की न मानी हो। और जब जब शिवसेना की बातें नहीं मानी है तो सामना के पत्र से जितना कीचड़ बीजेपी के ऊपर उछाल सकती है शिवसेना, हमेशा उसने उछाला है, हमेशा चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार की उन्होंने भसना की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भसना की हो, और बीजेपी ने कभी नहीं कहा। तो ये छोटे बड़े भाई की बात होती है। और जी संजय जी, जी संजय जी, पहले भी आपने बताया हमारा 80 शिवसेना का 80% समाज सेवा और 20% राजनीति है। हमारे सरकार अलग, संगठन अलग। अगर सरकार के अंदर कोई गलती हो रही है, कोई कमी है, तो हमारा संगठन उसको निश्चित बताएगा। यही बाला साहब ठाकरे का विचार था, वो कहते थे हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने मंत्री बनाया, इसके खिलाफ अगर लिखित सबूत है तो मुझे लाइए और उसको दो मिनट के अंदर मैं हटा दूंगा। उनका जो विचार थे आज उन्हीं विचारों से संगठन चल रहा है। अगर कोई अजसम सरकार नहीं मानेगी, अगर सरकार में कोई गलत बात हो रही है तो उसको हमें बताना, चूंकि 500 बार हमको पब्लिक के बीच जाना है, ऐसा नहीं है। देखिए आज जनता ने मुझे अगर बना दिया है तो ये नहीं 5 साल बाद हमको हटा भी सकती है। अगर बताएंगे आपको, अभी देखें कितना छापेगा आपका अखबार, अभी विपक्ष में हम लोग बैठेंगे ना, फिर बताएंगे आपको कि कौन, कि अखबार क्या छापता है, संगठन क्या करता है, पार्टी क्या करती है।
आपका समावेश खुद ही पता चल जाएगा, छह महीने रुको तो सही जरा। नहीं और संजय द्विवेदी जी की बात नहीं है ये, संजय द्विवेदी जी ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आपने अच्छी बात, मैं क्या करूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, कही अब सरकार कहीं गलती करेगी, ये नहीं, ये आपकी अच्छी बात है, ये आपने कहा कि सरकार कहीं गलती करेगी तो हम उसको जनता के सामने लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आप मानिए कि जो आपने सामना में छापा या आपके नेताओं ने कहा तो बीजेपी कहीं दूर नहीं भागी, कहीं आपकी उन बातों का खंडन बीजेपी ने नहीं किया, कहीं बीजेपी ने उनका खंडन नहीं किया, तो वो ऐसी बात नहीं है। जब शिवसेना ने आईना दिखाया, जब शिवसेना ने आईना बीजेपी को दिखाया है तो बीजेपी ने उस बात को माना है, नहीं बीजेपी ने उसको, आप मुझे बताइए कि सामना में लेख सपने के बाद, मुझे द्विवेदी जी एक बात बता दीजिए, अब देखो मुझे एक बात बता दीजिए, सामना में लेख सपने के बाद क्या बीजेपी के किसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामना का खंडन किया है क्या? आज तक नहीं किया। तो ये उत्तरदायित्व जो आपने सामना में छाप के सरकार को आईना दिखाने का काम किया है तो वो सरकार ने उसको शायद स्वीकार किया है, और ऐसा नहीं है कि सरकार दिया बसना करते हैं, आपने उन तमाम राजनीतिक मुद्दों को उस अखबार में छापने का प्रयास किया, चुनाव समय में शिवसेना ने विरोध किया और बड़ा पुरजोर विरोध किया, क्योंकि पर्यावरण के लिए पेड़ मत काटिए, उस जगह को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकारी गलती कर रही थी, सरकार हमारे मंत्री थे, ऐसा नहीं कि हमारे मंत्री नहीं थे, हमारे मंत्री थे, तो उसके बाद भी शिवसेना ने विरोध किया, क्यों? कि पेड़ काटने से आज दिल्ली से लेके आप देखिए कहीं ना कहीं 1% जो पर्यावरण में जो दिक्कतें आ रही है उसका एक मूल कारण स्वीकार कर, ये तो बीजेपी भी सर स्वीकार करती है, और मैंने अभी फिर दोबारा पुनः कह रहा हूँ कि जो भी आपने सामना में, आप दुबे सुनिए ना, आपने जो भी सामना में प्रकाशित किया या सामना के माध्यम से जो बात सरकार के संगठन के सामने रखी, मुझे मेरा अनुभव कहता है कभी सरकार ने उसका खंडन नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन कभी नहीं किया, और उस जो लेख प्रकाशित हुए हमारी राजनीति करने के स्टाइल बिल्कुल अलग है, हम शिवाजी महाराज की उससे चलते हैं, आप समझिए उनकी राजनीति से हम उनके उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो हमारी जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। नहीं अब इसको नहीं आप कह सकते, अभी दस दिन में आप सुनिए ना, इन 10 दिनों में संजय राउत ने कई बार प्रेस के सामने ये कहा कि कल हम सामना में छाप के बताएंगे क्या होने जा रहा है, तो राजनीति और वो तो मिक्सअप कर दिया आपने। शांति से बात सुन लीजिए, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, 25 दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, सुन लीजिए बालाधर ठाकरे 66 में संगठन बनाया, उन्होंने पार्टी नहीं रखी, शिवसेना की जगह शिव पार्टी नहीं रखी, उन्होंने शिवसेना किया, क्यों? सेना 3 है अपने हिंदुस्तान में, जल नव और वायुसेना है, उन्होंने जो उनका कॉन्सेप्ट है कि अगर देश में कोई दिक्कत पड़े, देखिए अगर देश रहेगा प्रदेश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, अगर देश प्रदेश नहीं रहेगा तो पार्टी कहां बचेगी, तो उन्होंने संगठन को सेना का नाम दिया, क्यों? सेना के अंदर एक होता है आपका समझ लीजिए पूरा शासन प्रशासन, जो देश के प्रति सम्मान, देश की रक्षा करना, आप नहीं कभी कोई बात आती है तुरंत सेना के जवान खड़े हो जाते हैं, उसी तरह शिवसेना है, हम कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, ये जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इनमें कौन व्यक्ति देश में खंडन कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? ये देश मानता है, ये जितने भी आप ये बताइए क्या कांग्रेस के क्या कांग्रेस के सेवा दल ने देश की सेवा नहीं की? क्या कांग्रेस के सेवा दल ने आपके कांग्रेस के सेवा दल ने क्या कांग्रेस से अलग हटके सेवा नहीं की? क्या ये क्या आरएसएस और बीजेपी का संगठन है क्या वो नहीं कर रहा है? तो ये सारे राजनीतिक दल, देखो संगठन एक अलग है, क्या आज तक आपने सेवा दल पे कांग्रेस के सेवा दल पे क्वेश्चन मार्क उठाया क्या आपने? नहीं नहीं कौशिक जी, जो आप लोग ये बात कह रहे हैं, तीन पहिए की सरकार है, आप मुझे एक बात बताइए कौशिक जी, 3-व्हीलर चल रहा है कि नहीं चल रहा है पूरे देश में, और कब से चल रहा है? मुझे तो लग रहा है 50 साल से 3-व्हीलर जो है वो संजय जी हमारी सरकार 100 साल तक चलाइए। अरे संजय जी हम नहीं कह रहे, ये आप खुद बखूबी जानते हैं कि आखिरकार जिसकी सरकार रहेगी सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता जिसकी सरकार आ जाता है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि होने के कारण
के कारण ये सवाल उठते हैं हमारे, ये मीडिया सवाल उठाएगी। और ये संजय जी, हमें संजय जी आप 100 साल आप इस संगठन को चलाइए, 100 साल इस महागठबंधन को चलाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो महाराज जनता जो है इस गठबंधन को दोबारा सरकार, अरे हम कह रहे हैं इसको 100 साल चलाइए, हम कब कह रहे हैं कि नहीं है। लेकिन जिन दावों के साथ तुम्हारे नेताओं ने हमसे आमने सामने बैठ के जो वार्ताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। आप 100 साल चलाइए इस महागठबंधन को, हम कब मना कर रहे हैं? आप बताइए, जब राम जन्म भूमि पे फैसला आता है तो उद्धव ठाकरे कहते हैं हम 24 तारीख को अयोध्या कुछ करेंगे, अयोध्या जाके दर्शन करेंगे। एक बयान उद्धव ठाकरे जी का आया, क्या सरकार बनाना इतना महत्वपूर्ण हो गया? क्या एक दिन लगता आपको यहाँ से वहां तक आने में? कांग्रेस के नेता पूजा नहीं करते हैं? बिल्कुल, आपने कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आपने अयोध्या नहीं आए, आप कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में अयोध्या नहीं आए, कहीं कहीं ये गठबंधन बनने से पहले ना टूट जाए। इसको संजय जी, डर जो खरीद फरोख का था ना पहले, संजय जी सुन लीजिए, जो डर खरीद फरोख का था वो कहीं ना कहीं डर जो है वो गठबंधन के टूटने को लेकर भी है। वो सुनील जी सही बात कह रहे हैं, 24 तारीख को आपने जब जिक्र किया कि हम अयोध्या जाएंगे तो आखिरकार क्यों नहीं गए? क्या सरकार बनाना इतना यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था? उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी को भेज देते, फैमिली के तमाम लोग आ सकते थे, वो उद्धव ठाकरे साहब नहीं आ सकते थे। द्विवेदी जी, मेरा झगड़ा शिवसेना से नहीं है ना बीजेपी से है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिन विचारधाराओं के साथ आप मीडिया का सामना करते आए हैं, मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखते आए हैं जिन विचारों को लेकर के, मैं तो उसका खंडन कर रहा हूँ। मुझे 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 कोई आपत्ति नहीं है कि आपकी सरकार बन रही है, किसी की सरकार बन रही है। कौशिक साहब कैसे, आप मुझे बताइए, मैं बताता हूं आपको, जो अब्बू आजमी पानी पी पी के शिवसेना को गालियां दिया करते थे, कल मैंने देखा डिबेट वहां पर, वो अब्बू आजमी उद्धव ठाकरे की बगल में बैठे थे, उद्धव ठाकरे की बगल में अब्बू आजमी बैठे थे, जो घोर विरोधी हैं। और अभी जो कह रहे हैं संजय भाई, मैं बता दूं आपको कि थ्री व्हीलर जरूर चलता है, क्योंकि थ्री व्हीलर के जो तीन पहिए होते हैं वो एक दिशा में होते हैं, इसलिए चलता है वो, पर आप जो तीन लोग हैं वो तीन दिशा में चलेंगे, जब अलग अलग दिशाओं में चलेंगे तो वो एक भी दिन नहीं चलेगा वो। रितु जी, मैं अपनी ठीक है, मनोज पंडित जी ये तीन लोग हमारी विचारधारा पहिए इसलिए सारे साथ है, क्योंकि पहियों की विचारधारा जो है वो महाराज के विकास के लिए बढ़ रही है आगे। संजय भाई, तभी 11 दिन सुशासन लाने के लिए, किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया है वो कार्य करने के लिए हमारे तीनों पहिए आगे बढ़ने। संजय भाई, आप वही रहते हैं महाराष्ट्र में, आप देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्हें पूरे 5 साल में एक बार आपके किसी सिस्टम का विरोध किया हो तो बताइए आप हमें। रितु जी, मैं सिर झुका के सारी बात मानी, सारा काम जवाब देना चाहता हूँ। जी जी, मनोज जी बोलिए आप। मनोज भाई, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आपने कहा कि अबू आजमी के बगल में बैठे हुए थे, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ आपने पीडीपी को गठबंधन के पहले पता क्या बोला था? आपके राष्ट्रीय नेता ने बोला था कि देशद्रोही पार्टी है, और देशद्रोही पार्टी के साथ गलबहियां करके आप सरकार में थे। दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अभी पूरे भारत में जहां जहां भी आपके गठबंधन की सरकार है, नागालैंड में आपके साथ सामाजिक आप समान विचारधाराओं के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता, देखिए मनोज भाई, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, नहीं मैं एक बात जी, अब तो परविंदर जी ने भी कह दिया कि आप क्यों बार बार डिबेट को कई अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। आपने दो सवाल कहा, दो सवाल का मैंने जवाब इनसे पूछा है? मैंने सिर्फ दो सवाल इनसे पूछे जी, मैं आपके सवाल का जवाब, दो सवाल मैंने इनसे बोले, दो चीजों का इन्होंने कहा, मैंने दो चीजों का इनसे जवाब मांगा है, आप बताइए मुझे। अबू आजमी देशद्रोही तो नहीं है? नहीं, देश अबू आजमी आतंकवादियों को संरक्षण तो नहीं देता है। मैं सिर्फ ये, बीजेपी ने, कौशिक साहब, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अबू आजमी की जो सोच है वो बीजेपी के साथ मेल नहीं, पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, ठीक है, आतंकवादियों के साथ तो नहीं है, लेकिन मुफ्ती की सोच तो आतंकवादियों के साथ थी। तो आप देख रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा, उसके साथ आप मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट भी संभाल रहे हैं,
आप उनके साथ रोज खाना पीना, ये तो बगल में बैठे हैं। मैं आप... एक बात संजय द्विवेदी जी से कहना चाहता हूँ, तो आपको बधाई है कांग्रेस पार्टी को भी, आपको भी और एनसीपी को भी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आपस की सेटलमेंट करने के बाद आपस में जो आपकी डील होती है, मंत्रालय की डील होती है, डील? आप महाराष्ट्र डील कांग्रेस का शब्द है? नहीं नहीं, डील डील कहां से लेके आया शब्दों? आप शब्दों का सामान्य जहां आपका आपकी आपस में सेटलमेंट होती है, देखिए मंत्रालय की सेटलमेंट होती है, उसको फटाफट करने के बाद महाराष्ट्र की जनता के बारे में सोचिए और आप कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले करिए ताकि आपकी सरकार 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल चले। ये मेरा आपको सुझाव है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। बिल्कुल, आप जिस तरह से बात भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के विकास को लेकर महाराष्ट्र का विकास जो है एक दिशा में चलेंगे, बिल्कुल वो उम्मीद भी यहाँ पर यही की जा रही है। हालांकि उम्मीद हम ये भी कर रहे थे बीजेपी और शिवसेना की अच्छी चलेगी, आप भी तब डिबेट में शामिल थे, तब यही कहा गया था कि यार सच में ये मनमुटाव सामने नहीं आ गया, लेकिन देखिए क्या से क्या हो गया और नतीजा यहाँ पर ये कि अब जो एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग थे, गठबंधन में थे, वो अब शिवसेना के साथ नजर आ रहे हैं। और उम्मीद यहीं पर यही आपसे की जा रही है कि फिलहाल अगर अब सरकार बन जाए, मंत्रालयों को लेकर कोई पेच समझ में ना आए, कम से कम वो नाटक फिर से शुरू ना हो जो महाराष्ट्र में एक महीने से लगातार यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि तीनों पार्टियां बैठ के कोई ऐसा रोड मैप बनाए जो महाराष्ट्र को एक नई दिशा दे, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के जो गरीब आदमी है, वहाँ की हेल्थ के लिए, वहाँ की एजुकेशन के लिए, जो मूलभूत मुद्दे हैं मेरे ख्याल से सारे देश के वही मुद्दे हैं और स्टेट के कुछ एक दो मुद्दे अलग हैं। आप उनके ऊपर काम करेंगे तो आपको आपका जनता मिलेगा। सुन लीजिए, ये कहना बहुत बहुत सरल है, क्या इन्हीं राजनीतिक मुद्दों पर दोबारा 2019 में सरकार बीजेपी की आ गई? क्या विकास पे आ गई? किन मुद्दों पे आ गई? आप बताइए। जब तक पार्टी की विचारधारा जो होती है, जिसको कूट कूट के चुनाव के समय पर नहीं कहा जा सकता है, आप बताइए, पुलवामा नहीं होता तो क्या बीजेपी की इतनी बहुत सारी सीटें आ गई होती? फिर तो ये क्यों, क्या किसानों की बात कीजिए, क्या आप उनकी बात कीजिए? ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इस देश में रही हैं, उनकी विचारधारा देश सेवा की थी। सत्ता भी डेफिनेटली आज सत्ता जो है प्रायोरिटी पे आ गया है, लेकिन अगर उनकी विचारधारा अलग अलग थी, उनके रास्ते अलग थे, लेकिन जो उनके जो डेस्टिनेशन था वो देश हित था, देश का विकास था और सभी पार्टियों का आज भी होना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, आज की डेट में भी सभी नेता सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश हित में काम करना चाहते हैं और सभी पार्टियों में अच्छे अच्छे लोग हैं, और उन अच्छे लोगों को अगर हमारा काम है उनको उनके जो जो सही दिशा है उसको बताना, उसके बारे में उनको बार बार जगाना, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि कोई भी पार्टी आएगी वो महाराष्ट्र के फायदे के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए काम करेगी। यही मूलभूत वजह है जो इस डिबेट को कहीं लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संजय जी यही सवाल कि क्या चल पाएगा ऐसा, ये जो जिस पहिए की आप बात जिक्र कर बार बार कर रहे थे यहाँ पर, क्या चल पाएगा? क्योंकि मनोज जी भी अभी हम देख रहे हैं वो डिबेट को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बाद में संभल गए, तो क्या ऐसा होगा नहीं कि मुद्दों को भी कहीं और ले जाया जाए? मैं ऋतु जी बता दूंगा आपको, पिछले 25 दिन से मैं कम से कम 6-7 घंटे मैंने डिबेट की पे बैठा हूं मैं, और मैंने हमेशा ही कहा सरकार बनेगी, लेकिन आपके यहाँ लोगों को विश्वास नहीं था कि सर आपने तो कहा ये भी था कि बीजेपी के साथ ही हम सरकार बनाएंगे। बता दो सर, कहने की बात भी बताइए ना। नहीं नहीं, पूरी बोल दीजिए ना बात, नहीं बीजेपी के साथ बोला था, तो जैसे बोला था बीजेपी के साथ ही बनाएंगे, पूरा विश्वास था। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, कितने लोटस ले आए, कितने पोटस ले आए, लेकिन वो 5 साल सरकार को हिला नहीं पाएगी, ये पहले बता दिया गया है। ना ये कर्नाटक है, ना गोवा है, ये महाराष्ट्र है, और आने वाले दिनों में उसके लिए आपको जनादेश का विश्वास जितना पड़ेगा, और गठबंधन का परचम लहराएगा। संजय जी, संजय जी, और 2022 में केंद्र में सरकार, संजय जी एक सवाल, एक सवाल, संजय जी एक सवाल, संजय जी एक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, ये अरे संजय जी सुन लीजिए, संजय जी एक सवाल सुन लीजिए का, अरे संजय जी ऋतु कुछ कहना चाह रही हैं आपसे, एक सवाल सुन लीजिए सर। सुनील जी का कहना है 24 तारीख को अयोध्या जाने की बात कही थी, गए नहीं क्योंकि सरकार सबसे पहले यहाँ पर प्रायोरिटी थी कि सरकार हम बना ले, कहीं ना कहीं कहीं उसके पीछे ना रह जाए। अब अयोध्या कब जाएंगे? ये तो हमारे जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब जरूरत है अभी अयोध्या की? बता दूं कौशिक जी, नहीं सवाल ये है कि अभी क्या जरूरत है अयोध्या की, पहले तो बोल दिया गया था।
ये हो सकता है वो जाए, हमको कह थोड़ा सकते हैं, तो उनके अपना व्यक्तित्व मामला है। मंदिर दर्शन करना, मैं आज सुबह अपने मंदिर में पूजा, मतलब वो शिवसेना का मामला नहीं है, वो शिवसेना का मामला नहीं है। तो बेदी जी उद्धव ठाकरे जी का व्यक्तित्व मामला है, बंद रहिए, नहीं ये शिवसेना का नहीं है। आपने अभी ये कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, विरोध करते थे द्विवेदी जी, अभी आपने ये कहा कि उनका व्यक्तिगत मामला है, शिवसेना का नहीं है। तो मंदिर पे जाने देगा, तब कौशिक जी ने नहीं लिया, नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने तो उनकी बातें दोहराई है, वो हम लोगों के सामने, हम लोगों के सामने आपके उद्धव जी का बोला, नहीं मीडिया भी का, अरे संजय जी पार्टी का, अरे भैया उद्धव जी ने ये मीडिया के सामने बोला कि 24 तारीख को मैं अयोध्या जाऊंगा दर्शन करने के लिए, मैंने तो उसको दोहराया है, और आपने अभी ये कह दिया, आपने अभी ये कह दिया उनका व्यक्तिगत मामला है, समय हो तब जाइए आप, भगवान कहता है कि ऐसा नहीं कि आप तुरंत आ जाइए, जब आपके समय हो 5 मिनट का 10 मिनट का तब नहीं सर, सवाल इसलिए ना संजय जी, संजय जी सवाल इसलिए है के लिए अयोध्या कब आ रहे हैं, अब तो मंदिर बन रहा, वो जाएंगे क्या भाई, राम संजय जी वही की जो मनोकामना थी, जो मनोकामना थी वो तो शायद अब पूरी हो रही है, तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए अभी अभी घोषणा पत्र में शामिल है, मंदिर बनवाने में घोषणा पत्र में शामिल है, उनका प्रेशर भी रहा, उनका प्रेशर रहा, जब भी रहा प्रेशर रहा, पर चूंकि सरकार बन गई चीजें ठीक हो गई। 2019 में चुनाव से पहले तो सरकार बना है, 2019 में चुनाव से पहले तो भ्रमित कर गई थी अयोध्या, ये भ्रमित क्यों हो रहा है, ये केंद्र सरकार का है, वो मंदिर बनवाए, मंदिर बनवाने बना क्या गया, अरे हम तो आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं, सरकार बनवाए, अरे मैंने भी, हम तो आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं, आशीर्वाद लेने का आ रहे हो आशीर्वाद, अरे वो भी आप देख लीजिएगा भाई, आप ज्यादा उतावले ना हो, अभी आप मना रहे हो, ये तो नहीं सर, ये होता ना मनोकामना जो थी, सरकार बनाने की जो मनोकामना थी वो तो कहीं ना कहीं पूर्ण हो रही है, अब क्या फिर जब वक्त मिलेगा तब जाइएगा या अभी जरूरत है? अरे तो भाई अब तो तय करेंगे ना, हम तो हम आ जाना तय, लेकिन वो तो माने उतर रहा है, यानी कि पार्टी, यानी कि ये पार्टी का है ही नहीं फैसला, जैसे सुनील जी बोल रहे हैं, अरे देखिए जो जो उधर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होता वही पार्टी का, या फिर रोक दिया जाएगा एनसीपी और कांग्रेस के जरिए, शायद जी लगता है शायद कांग्रेस या एनसीपी से चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद शायद ये तय करेंगे। ये भी बात मान लेते हैं, हम चर्चा करके ही जाएंगे, हम चर्चा करके जाएंगे भाई, अब मुख्यमंत्री भी करेंगे, वो अपने लोगों को सलाह देके ही करेंगे, पीडीपी ने गठबंधन किया मंदिर के संदर्भ में, गठबंधन वाले मनोज जी से पूछना चाहता हूं, किसी पूछा मुझे बता दीजिए, हम तो गठबंधन साथ में रहेंगे भाई, आपको बिना गठबंधन की सहमति के 2022 और 2023 का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे तिवारी जी कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, बनवाइए, अरे कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, बनवाइए, हम लोग कह रहे हैं चलिए चलिए कि यथाशीघ्र राम मंदिर का निर्माण हो, बनवाइए देखिए मंदिर पर फैसला आ चुका है, मंदिर पर फैसला आ चुका है, अब कम से कम इस पर राजनीति फिर से ना शुरू हो, यही उम्मीद है, और यही उम्मीद यहां पर यह भी है कि शिवसेना ने जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में बंध गई है और कल शपथ लेने वाले हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ऐसे उम्मीद ये कि जो जिस दिशा में यहां पर संजय जी भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र के विकास की दिशा में जो पहिए आगे बढ़े हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ना कि अलग अलग दिशा को अपनी अपनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।